हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं लेकर आया हूं आपके लिए ब्रांड न्यू बैच फॉर न्यू सिलेबस सीए फाइनल एएफएम एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव है क्लास का लर्न मोर अर्न मोर। हमारा मानना है हमारी लर्निंग जितनी अच्छी होगी अर्निंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो हम बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से हर एक चीज प्रैक्टिकली हम रीड करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन हम सबको पता है। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है एजुकेशन के इंपॉर्टेंस का, वो है मिस्टर सुंदर पिचाई जी का। तो आप देख सकते हैं सुंदर पिचाई जी की सैलरी 1000 करोड़ से भी ज्यादा की है, लेकिन ये तो वन साइड ऑफ द स्टोरी है। इनको भी वो सब मेहनत करना पड़ा जो आपको करना पड़ रहा है, रदर उससे ज्यादा इनको मेहनत करना पड़ा, लेकिन अंत में एजुकेशन के बलबूते अपनी लर्निंग अपने नॉलेज के वजह से आज वो उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं जिससे हम सब इंडियंस को प्राउड फील होना चाहिए। कभी सोते थे जमीन पर, आज गूगल के हैं सीईओ। आई ग्रू अप without much access to technology. We didn't get our first telephone till I was 10. I didn't have regular access to a computer. आप समझ सकते हैं ये उस व्यक्ति की बोली है जो आज वर्ल्ड की नंबर वन टेक्नोलॉजिकल कंपनी के सीईओ हैं। My father spent the equivalent of year salary on my plane ticket to the US so I could attend Stanford. It was my first time on a plane. पूरे साल की सैलरी उनके फादर ने लगा दी उनको US भेजने के लिए। A phone call back home was more than $2 a minute and a backpack cost the same as my dad's monthly salary in India. मतलब एक फोन कॉल के बराबर उनके पापा की सैलरी हुआ करती थी। आप समझ सकते हैं He completed his schooling in Jawahar Vidyalaya, a CBSE school in Chennai. So डेफिनेटली हमें एम हाई करना है। हमारा यह बैच आपको एम हाई करना सिखाएगा, लर्निंग पे जोर देगा, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। आपको न्यू सिलेबस में एक ऐसा मौका मिला है, अब इसे हाथ से जाने मत दीजिए। ऐसा डिटेल्ड वे में स्टडी कीजिए कि आपका एग्जाम तो क्लियर हो प्लस आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन भी मिले। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं एएफएम एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मेरा मानना है पहला लेक्चर आपको सब्जेक्ट को समझने में बिताना चाहिए। आप जितना अच्छा सब्जेक्ट को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे, आप उतना ही अच्छा आगे परफॉर्म कर पाएंगे। सब्जेक्ट का अध्ययन, सब्जेक्ट को समझना ही अपने आप में सब्जेक्ट से प्यार करना माना जाएगा। तो आइए सब्जेक्ट को आज समझते हैं कि सब्जेक्ट में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में क्या क्या बातें हैं और किस तरह से हम इस सब्जेक्ट से अपना एग्जाम तो क्लियर करेंगे करेंगे अपना करियर भी अच्छा बना पाएंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, न्यू सिलेबस का बैच लेक्चर नंबर 1 है ये। सीए फाइनल पेपर नंबर 2 है हमारा। ग्रुप 1 का पेपर है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम चाहते हैं कि साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाएं ताकि एग्जाम से पहले आप जब रिवीजन करने बैठे तो आपको सब कुछ याद आ जाए, सब कुछ आपके ध्यान में रहे। क्योंकि अभी तो मैं सारी बातें आपको बता दे रहा हूं, कोई गारंटी नहीं कि एग्जाम से पहले ये सारी बात आप रिकॉल कर पाएं। तो बेटर होगा हर एक चीज को हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे ताकि आप जब भी चाहें आप अपना रजिस्टर खोलिएगा, आप रिवाइज करिएगा, आप मुझे हमेशा अपने पास पाएंगे उस रजिस्टर से, उस नोट्स के थ्रू जो हम लोग मिलकर बनाएंगे। कॉन्सेप्चुअल तरीके से एक एक बातें लिखेंगे, क्योंकि जो बातें हो गई है अगर हम उसे लिखते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले हम उन सब बातों को भूल भी सकते हैं। तो रिस्क क्यों लेना, थोड़ी मेहनत होगी, हम मेहनत करेंगे सर, हम मेहनत से पीछे नहीं हटते, हम मेहनत जरूर करेंगे, बस हमें आप सही डायरेक्शन दें और मैं आपको 100% सही डायरेक्शन देने के लिए ही आया हूँ। फाइन, तो आइए रजिस्टर ओपन करें
और रजिस्टर में सबसे पहले आप फर्स्ट पेज में लिखें CA फाइनल AFM। एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट CA फाइनल AFM एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइन सर, ये आपका ग्रुप वन का पेपर नंबर टू है। फाइन, फर्स्ट क्लास में हम सब्जेक्ट को समझेंगे और सब्जेक्ट की गहराई को समझेंगे कि आगे हम कितनी गहराई से सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। फाइन, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट का नाम। टोटल मार्क्स, टोटल आपका है ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और हमारा टारगेट होगा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का। हम एक नंबर भी यहां पर कट नहीं करने देंगे, आपको बस मेरे गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस 100 मार्क्स में आपका 30 मार्क्स का MCQ होगा। ठीक है, MCQ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो हम करने वाले होंगे। MCQ में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, बट हम MCQ को बिल्कुल अलग मान के चलते हैं, क्योंकि जो हम क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे उसका MCQ भी बन सकता है। केस बेस्ड MCQ है, मतलब आपको पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको MCQ निकाला जाएगा। तो जो हम क्लास में करेंगे दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ MCQ। फिर भी मैंने MCQ को यहाँ पे अलग रखा है, और ये आप समझ सकते हैं डिटेल जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। ठीक है, फाइन सर। सो ये एक पेपर पैटर्न आपको पता चल गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फर्स्ट पेज में तो आपको यहां पर यह पता चल गया कि ग्रुप वन का पेपर नंबर 200 मार्क्स का पेपर है, पेपर पैटर्न आपको पता चल गया है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सब्जेक्ट का रेलेवेंस क्या है। अकाउंट्स में हम अकाउंटिंग करना सीखते हैं, टैक्सेशन में हम टैक्स देना सीखते हैं, किस तरह से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं, ऑडिट में हम ऑडिट करते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या सीखते हैं, जरा इस बात को भी समझते हैं। तो सवाल ये आता है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस पेपर, इस पेपर का रेलेवेंस क्या रहा, क्यों ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, क्या है इस पेपर का इंपॉर्टेंस। तो एक फ्रेश पेज में लिखेंगे अबाउट दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। About the subject, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है आपके माइंड में कि what is the relevance, what is the relevance of this paper? पेपर का relevance क्या है। तो मैं ये बता दूं, यह पेपर is all about stock market। इस पेपर को हम backbone मान सकते हैं फाइनेंस का, एक तरह का हम बेंचमार्क मान सकते हैं इस पेपर को। फाइनेंस की अगर आपको नॉलेज लेनी है तो यह पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं दिस सब्जेक्ट इज द बैकबोन दिस सब्जेक्ट इज द बैकबोन फाउंडेशन and gateway
टू फाइनेंस करियर, टू फाइनेंस करियर, ठीक है। यह सब्जेक्ट क्या है, एक तरह का बैकबोन है, फाउंडेशन है, गेटवे है। फाइनेंस में आपको करियर बनाना है तो यह पेपर आपके लिए मस्ट है। सर फाइनेंस में करियर बनाना मतलब क्या, हम आएंगे अभी आगे चलकर कि फाइनेंस में क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास हैं। आप पेपर को समझिए, सिर्फ पास होने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, और आजकल पास होने के लिए भी पेपर को समझना बहुत ज्यादा जरूरत हो गया है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं बताऊंगा न्यू सिलेबस का कंटेंट, जहां पर आपको पूरा न्यू सिलेबस में सिर्फ स्टॉक मार्केट, बीएससी, एनएससी, निफ्टी, सेंसेक्स, गिफ्ट सिटी, पूरा स्टॉक मार्केट का नए नए एप्लीकेशंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो मे बी पेपर में आप 40-50 नंबर तो लेके आ ही सकते हैं, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 का तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे, और आगे चलकर करियर तो आपके हाथ से गया समझो। तो इस करियर को भी अपने हाथ में लेके चलिए। ट्रेनिंग सारा मैं करवाऊंगा। आर्टिकलशिप में आपको अकाउंटिंग का ट्रेनिंग मिलता है, टैक्सेशन ऑडिट का ट्रेनिंग मिलता है, साल भर आप मान के चलिए फाइनेंस की ट्रेनिंग आप मेरे से ले रहे हैं। डेली बेसिस पे जो क्लास होगी, मैं डेली आपको ट्रेन करूंगा फाइनेंस के लिए। और जब एक साल बाद आपका नॉर्मल आर्टिकलशिप हो जाएगा तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में आर्टिकलशिप कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं, जहां पर आपको 50,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। किसी किसी स्टूडेंट को 60,000 भी मिलता है, 70 भी मिलता है, 50,000 का एक एवरेज स्टाइपेंड में मान के चल सकता हूं। ठीक है सर, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका करियर गोल्स क्या है। व्हाट इज योर करियर गोल? अगर आप व्हाट इज योर, सर मैं इस को क्यों अच्छा मानू, इस पेपर को मैं तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा हूं। व्हाट इज योर करियर गोल्स? अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है, इफ यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट टू मेक करियर इन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल सेक्टर, अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाना है, यू मस्ट एक्सेल इन दिस पेपर प्रैक्टिकली। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं चलेगा, तो एग्जाम क्लियर करने के लिए भी ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं चलेगा। करियर बनाना है स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल सेक्टर में, तो आपको इस पेपर को प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा, नॉलेज लेना ही पड़ेगा। अब आप नॉलेज बिना लिए पास भी नहीं हो सकेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो क्या है ये नेचर ऑफ द पेपर, क्या है सिर्फ पेपर का नेचर क्या है? नेचर ऑफ दिस पेपर, नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस पेपर का नेचर क्या है? इट इज प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड पेपर, प्रैक्टिकल स्टॉक फाइनेंशियल लिख सकते हैं आप, स्टॉक वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट का ही यूज कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड ये पेपर है माना जाएगा। ठीक है, आपको प्रूफ करके देंगे हम, एक एक बात जो मैं लिख रहा हूं हम प्रूफ करके देंगे। ठीक है, क्योंकि हम आप अभी का सोच रहे हैं, मुझे तो पूरा पता है कि मुझे क्या आगे करना है, बट हम धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ेंगे। हमें हड़बड़ी किसी बात का नहीं है, आराम आराम से हमें करना है काम, और आराम आराम से काम किया हुआ ही आगे जाके आप सक्सेस इससे पाएंगे। हड़बड़ी में हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा टाइम लगेगा लगाएंगे। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड पेपर है आपका ये, आप देख सकते हैं। आपका करियर गोल्स, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस पेपर, व्हाट इज योर करियर गोल्स, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट हम तय कर चुके हैं। चलिए सबसे पहला टॉपिक हेडिंग दीजिए,
इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हम फाइनेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर वन, सबसे पहले व्हाट इज एफएम, व्हाट इज एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप लिखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाम में ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग मनी, हम पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसी को कहते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में एकदम इसका सीधा मतलब है फाइनेंस और मैनेज करना, पैसों का सही मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता है पैसों का सही मैनेजमेंट। जिनको हिंदी लिखना अच्छा लगता है हिंदी लिखें, जिनको नहीं लिखना अच्छा लगता नहीं मत लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसका ही इंग्लिश वर्ड बता दिया है, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग मनी, पैसों का सही मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पैसे को मैनेज करना है हम लोगों को, ठीक है। मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं कि जो बुकिश डेफिनेशन है वो नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट आपको एक नॉर्मल वे में समझाना चाहता हूं एक्चुअल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, बुकिश लैंग्वेज का डेफिनेशन है, हमें सिंपल सा बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मनी, पैसा, और हर एक बिजनेस को पैसा चाहिए, बिना पैसों के कोई बिजनेस की शुरुआत हो ही नहीं सकती। पैसा कहां से आए, पैसा कहां लगाए, यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पैसा कहां से आए, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, और पैसा कहां लगाए, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये दो लाइन में ही पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट समा जाता है। फाइन सर, तो सवाल ये उठता है व्हाई इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो इंपॉर्टेंट, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज पूरे कंपनी में सबसे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव कोई होता है सीईओ के बाद, तो वो है सीएफओ। सीएफओ सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स होते हैं किसी कंपनी के, जो सारे फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करता है। आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि इसके बिना अगर ये सही नहीं है तो कंपनी सॉल्वेंट नहीं हो पाएगी, इनसॉल्वेंट हो जाएगी, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, अकाउंट्स के बिना कंपनी चल सकती है, ऑडिट के बिना कंपनी चल सकती है, टैक्स नहीं भी देगी, कमा नहीं रही तो टैक्स नहीं देगी तब भी चल सकती है, लेकिन अगर कंपनी के पैसों को सही से मैनेज नहीं किया गया तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। कंपनी के पास अगर सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, लोन का इंटरेस्ट देने के लिए पैसे नहीं है, तो सारा मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी कर दिया और यह कंपनी का बैंकरप्ट होना तय है। तो व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैटर्स बिकॉज इट कीप्स अ कंपनी सॉल्वेंट, एक कंपनी को सॉल्वेंट रखती है, इसकी अस्तित्व है, पैसा नहीं होगी तो कंपनी कैसे बन पाएगी। इट्स मोस्ट बेसिक गोल इज टू इंश्योर दैट अ बिजनेस डजंट गो बैंकरप्ट, यही मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। Beyond that, और भी बहुत सारी चीज हो सकती है, गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन हेल्प अ कंपनी ग्रो एंड थ्राइव, बट सबसे पहले तो कंपनी सॉल्वेंट रहे, कंपनी का पैसा रहे देने के लिए, कंपनी सही से मैनेज कर सके, वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सके, कैश मैनेजमेंट कर सके, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है और आगे भी पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर टू है आपका Why is
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? नहीं, अगर एफएम सही नहीं होगा तो कंपनी बैंक्रप्ट हो सकती है। एफएम मैटर्स बिकॉज इट कीप्स अ कंपनी सॉल्वेंट। फाइन, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, इज द लाइफ ब्लड। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एट द कोर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इज एट अ कोर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एट अ कोर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव। फाइनेंस के बिना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं। अगर पैसे नहीं हो तो कहां से अकाउंट्स कर पाएंगे, कहां से टैक्स दे पाएंगे, कहां से ऑडिट कर पाएंगे? पैसा होना सैलरी पे नहीं कर पाएंगे। तो पैसा होना, पैसा का आना और पैसा का सही इस्तेमाल ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो क्या गोल है एक फाइनेंशियल मैनेजर? अगर आप एक फाइनेंशियल मैनेजर बनते हैं तो आपका गोल क्या है, ये आप निर्धारित कीजिए कि व्हाट इज योर गोल। सो कॉन्सेप्ट नंबर 3, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर? बताइए क्या गोल है। वेरी सिंपल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयरहोल्डर्स वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन द वैल्यू ऑफ फर्म, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म is the main goal of financial manager, is the main goal of financial manager. Maximizing the value of firm is the main goal of financial manager. आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी वेल्थ दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। एप्पल जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, आप देख सकते हो उनकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं अगर सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी कहां से कहां पहुंच सकती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट गलत निकले तो कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाती है। किंग फिशर एयरलाइंस, रिलायंस कम्युनिकेशन, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं रहा क्योंकि इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसीज सही नहीं थे। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, जरा उस बात को समझ लेते हैं। मेन फंक्शन कॉन्सेप्ट नंबर 4, मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दो मेन फंक्शन हैं। सबसे पहले
प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, और दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पैसा कहां से आए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड सुना है, कम से कम में हमें पैसा मिल जाए इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, टू मिनिमाइज कॉस्ट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज रिटर्न, हम ऐसे जगह पैसा लगाएं जहां मेरा रिटर्न सबसे अधिक रहे, सबसे ज्यादा रहे। इसका है टू मिनिमाइज कॉस्ट और इसका है टू मैक्सिमाइज रिटर्न। बस यही, इसी के इर्द गिर्द पूरा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आधारित है। फाइन सर, हम इशू ऑफ इक्विटी शेयर करें या इशू ऑफ हम डिबेंचर करें, इशू प्रेफरेंस शेयर करें, हम पैसा कहां से लाएं और यूटिलाइजेशन हम कहां इन्वेस्ट करें, जहां पे एनपीवी पॉजिटिव निकले, हम जियो में पैसा लगाएं या हम किसी और सेक्टर में पैसा लगाएं, हम कोई प्लांट खोले, कोई हम इंडस्ट्री खोले, हम पैसा कहां लगाएं, इतना वाइटल डिसीजन है ये। एक बार गलत हो गया तो पीछे रिवर्स नहीं हो सकता। टैक्स का अमेंडमेंट्स भर के रेक्टिफिकेशन दे सकते हैं, बाकी सब चीजों का रेक्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन एक बार आपका पैसा लग गया कहीं पर, एक फैक्ट्री आपने लगा दिया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, और अब आप कहेंगे नहीं यार मूड नहीं कर रहा है, कहीं और लगाते हैं पैसा, तो एक बार जो लग चुका है वो पूरा संक कॉस्ट हो जाएगा, वो पूरा आपका पैसा गया, सैलवेज वैल्यू के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं चीजों को, ये सारे वर्ड्स, ये सब टर्म्स हम यूज करने वाले आगे चलकर। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे अच्छा रोल, सबसे बेस्ट रोल, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। याद रखिएगा, पूरे हम लोग अपने सब्जेक्ट में यही पढ़ रहे होंगे, पैसा कहां से लाएं, पैसा कहां लगाएं। आज हम लोग ने पैसा लाए, हम लोग अब फंडिंग किए, हम लोग ने पैसा आया और अब हम पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में क्यों ना हो, चाहे वो किसी बिजनेस में क्यों ना हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में सेटअप करना क्यों ना हो, कैपिटल बजटिंग से लेके एडवांस कैपिटल बजटिंग हमारे सिलेबस में है। तो ये जो चीज है वो आपको समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, और ये चीज आप किसी और सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां पढ़ते हैं, यहीं पे आप ये सारी चीजें सीखते हैं। फाइन सर, तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिलायंस जियो। इन्होंने 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा रेज किया, मार्केट से प्रक्यूर किया, अपना स्टेक दे दिया, 22% स्टेक दे दिया कि भैया हमारे कंपनी में आओ, तुम भी मालिक बनो, लेकिन मुझे पैसे दे दो क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा लेना मामूली बात नहीं है, और उसके बाद 1,00,000 करोड़ को इन्वेस्ट करना, ये सारा चीज आप खुद सोचिए कहां आप सीखते हैं, आप खुद सोचिए कहां पे आप सीखते हैं ये सारा चीज, पैसा लेना और पैसा का यूटिलाइजेशन आप कहां सीखते हैं, किस सब्जेक्ट में सीखते हैं? जी हां, आप वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखते हैं जो कि आज अभी आप पढ़ रहे हैं। और जब प्रॉफिट की बात आती है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात आ जाती है, तो बिल्कुल सही यूटिलाइजेशन हुआ है तभी तो इतनी प्रॉफिट आ रही है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर साल ग्रोथ हो रहा है, और जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसे लगाए थे वो भी खुश, और डेफिनेटली साथ साथ पूरे कंट्री का डेवलपमेंट भी हो रहा है, कंट्री में अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, कंट्री में जो नेटवर्क के प्रॉब्लम्स होते थे पहले वो भी कम हुए हैं, और स्पीड इंटरनेट का बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरे कंट्री की ग्रोथ इस छोटे से न्यूज पे डिपेंडेंट है। और इस तरह से अगर सारी कंपनीज अगर अच्छी डेवलपमेंट करे, पैसा रेस करे, पैसा सही जगह इन्वेस्ट करे, तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी नंबर 1 कंट्री नंबर 1 ग्रोथ नंबर 1 डेवलपमेंट वाली एवेन्यू बन जाएगी। फाइन सर, तो फाइनेंस इतना अच्छा है तो हम फाइनेंस में क्या क्या करियर ऑप्शन है सर हमारे पास? कॉन्सेप्ट नंबर 5,
एक सवाल आता है करियर इन फाइनेंस, क्या क्या हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं फाइनेंस में। करियर इन फाइनेंस, तो फाइनेंस में बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। मैंने कुछ बाइफर्केशन किया है करियर ऑप्शन का, जहां पर मैंने जितने भी प्रकार के करियर ऑप्शंस फाइनेंस के अंडर लाई करते हैं उन सब को मैंने एक जगह लिखा है, एक जगह मैं आपको बताने वाला हूं। हर एक करियर ऑप्शन में आप अपना करियर बना सकते हैं, हर एक टर्म अपने आप में एक फील्ड है, अपने आप में एक करियर ऑप्शन है, ठीक है। तो फाइनेंस में भी बहुत अलग अलग करियर ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ठीक है, कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। कैपिटल बजटिंग के आप महारती हैं, सिंपल कैपिटल बजटिंग से लेकर एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग तक का आपके सिलेबस में है, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी मतलब होता है जो प्राइवेट पार्टी बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स वगैरह में आजकल पैसा लगाते हैं, सेम वेंचर कैपिटल की तरह, इन सब चीज़ों का पढ़ाई हमारे सिलेबस में डेफिनेशन के साथ है, एक एक लॉजिक के साथ है, तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल या फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, मैंने इसको एक ही जगह रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिमिलैरिटी लगता है इन सब में। आप देख सकते हैं वेंचर कैपिटल के ऊपर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे न्यू स्टडी मटेरियल ICAI न्यू सिलेबस। आप देख सकते हैं वेंचर कैपिटल के ऊपर बहुत सारे यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो ये भी एक तरह का करियर ऑप्शन है। फाइन, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो ओला है, जो आपका, आप देख सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सारी चीज़ें दी गई है। आप यहाँ पे देखिए फोन पे, ओयो, बायजूस, आप देख सकते हैं पॉलिसी बाजार, स्विगी, इन सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी लेनी पड़ेगी, कैसे इनकी फंडिंग हो रही है, कैसे ये काम कर रहे हैं, इन सब की वैल्यूएशन कैसे होती है, ये बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब आज तो बस हम लोग एक भूमिका बांध रहे हैं कि हम लोगों को आगे बहुत कुछ करना है, उसकी हम तैयारी आज से कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइन सर, कैपिटल मार्केट इज़ अ ब्रॉड टर्म, जहाँ पर प्राइमरी मार्केट, स्टॉक मार्केट सारा कवर होता है। ब्रोकिंग फर्म आपने नाम सुना होगा मोतीलाल ओसवाल ब्रोकिंग फर्म का। मोतीलाल ओसवाल के जो ऑनर हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। टेक्निकल एनालिस्ट, ये सब हमारे सिलेबस में भी है। टेक्निकल एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट तो आपको पता होगा। आप देख सकते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट हमारे सिलेबस में है, आप को इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेनी पड़ेगी। पूरा स्टॉक मार्केट से ये लिंक्ड चैप्टर है और बहुत अच्छा कवरेज यहाँ पर दिया गया है। टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो एटलीस्ट आपको यहाँ से तो शुरू करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर आपको ग्राफ और चार्ट्स वगैरह दिए गए, ये सब स्टॉक मार्केट के चार्ट्स हैं, किस तरह से प्राइस बढ़ता है, किस तरह से प्राइस गिरता है, ये सब आपके स्टॉक मार्केट के चार्ट्स आपको समझना होगा, किस तरह से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, सारा आपका टेक्निकल एनालिस्ट लोग करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत लेकिन यहीं से होगी, शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा, ठीक है। फाइन सर, तो आपको बिल्कुल बेस्ट शुरुआत करनी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ना है, करियर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फाइन सर, आप स्टॉक ट्रेडर बन सकते हैं, आपने नाम सुना होगा राकेश झुंझुनवाला का। राकेश झुंझुनवाला जी का नाम आपने सुना होगा, जो इंडिया के नंबर वन इन्वेस्टर थे, हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट, बहुत कंपनी है जो रिसर्च निकालती है, कौन से शेयर खरीदने, कौन से बेचने हैं। डेरिवेटिव, ये हमारे सिलेबस में भी है, सभी चीज़ हमारे सिलेबस में है वैसे तो। डेरिवेटिव एनालिस्ट, मर्चेंट बैंक्स, मर्चेंट बैंकर आप बन सकते हैं,
मर्चेंट बैंकर में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत सारे सीए इस फील्ड में है। कॉमोडिटी ट्रेडिंग करेंसी ट्रेडिंग, तो ये स्टॉक मार्केट का, और अंदर स्टॉक मार्केट के भी अंदर हमने बाइफर्केशन कर दिया है। कभी कभी आपको लगेगा सिमिलर चीज़ें हैं, जो कॉमोडिटी डेरिवेटिव है वही करेंसी ट्रेडर भी बन सकता है और वाइसी वर्सा, तो डेफिनेटली हो ही सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। करेंसी ट्रेडिंग, कॉमोडिटी ट्रेडिंग, मर्चेंट बैंकर, डेरिवेटिव एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, फंडामेंटल एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट, ब्रोकिंग फर्म, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। फाइन, तो ये आपका हो गया करियर ऑप्शन। नंबर 3 में हमने डाला है कॉरपोरेट फाइनेंस को। कंपनी को भी तो चाहिए फाइनेंस, इंटरनल अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए, कॉरपोरेट फाइनेंस। इसमें और आप देख जाके अंदर अगर जाएंगे तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे सीए इस ट्रेजरी ऑपरेशन में काम करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ, अपने स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ जो ट्रेजरी ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएफओ आप सोच सकते हैं, यहाँ पर सीएफओ मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ कंपनी, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ कंपनी। फाइन, हम इनका एग्जाम्पल भी देंगे, सिर्फ लिख के नहीं छोड़ देंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। कोई भी एक चीज आपको लगे कि सर ये ट्रू नहीं है, आप मुझे बताइएगा, मैं उसको विद फैक्ट्स रखूंगा, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेजरी ऑपरेशन, सीएफओ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ कंपनी, तो कभी कभी सीएफओ ही ट्रेजरी ऑपरेशन संभालता है, ऐसा हो सकता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सीएफओ को हो सकता है, तो ये बिल्कुल एकदम कट टू कट बाइफर्केशन नहीं है। इस तरह के करियर ऑप्शंस आपके फाइनेंस में खुलते हैं, ठीक है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट देखिए कौन सा और करियर ऑप्शन है। आपका नाम, आपका एक चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट AFM में, तो रिस्क मैनेजर्स का बहुत डिमांड है आज के दिन। आजकल रिस्क मैनेजर्स का बहुत डिमांड हो गया है और बहुत सारे सीए इस लाइन में हैं। रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में भी आजकल सीए काफी डिमांडिंग है, और आप कह सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, आपने नाम सुना होगा क्रिसिल का, केयर का, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी आजकल काफ़ी सीए को रिक्रूट कर रही हैं, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। फाइन सर, आप समझ सकते हैं सीआरओ एक चीफ रिस्क ऑफिसर एक पोस्ट है जिसमें आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। मैं भी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बहुत सारे कंपनी के सीआरओ दे आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नंबर 5 फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एक्सपर्ट, जो बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, उन ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट का बहुत डिमांड है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फॉरेक्स मैनेजमेंट, जितना भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उन सबको सीए बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस, हमारे सिलेबस में है भी इंटरनेशनल फाइनेंस का टॉपिक, तो इंटरनेशनल फाइनेंस। नंबर 7 हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, इंडिया के जो टॉप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। नंबर 8 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये भी बहुत आजकल चलता है और इसमें भी सीए काफी बढ़ चढ़कर पार्ट ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर,
ठीक है, इन सब का नाम का हमारा चैप्टर भी है, पोर्टफोलियो नाम का हमारे पास चैप्टर है, म्यूचुअल फंड नाम का हमारे पास चैप्टर है, इंटरनेशनल फॉरेक्स नाम का हमारे पास चैप्टर है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज नाम का हमारे पास चैप्टर है, बॉन्ड्स, ठीक है, फाइन सर। चलिए नंबर 9, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इसमें तो हमारे काफी स्टूडेंट्स एज एन आर्टिकलशिप रिक्रूट किए जाते हैं। हाँ, अभी इनिशियली उनको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं मिलता है, बट वहां जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना, मर्जर एंड एक्विजिशन एक्सपर्ट, मर्जर एंड एक्विजिशन एक्सपर्ट, बिजनेस वैल्यूएशन एक्सपर्ट। आजकल बिजनेस को वैल्यू करने के लिए सीए से अच्छा और कौन एक्सपर्ट होगा मुझे बताइए, बिजनेस वैल्यूएशन एक्सपर्ट। एंड नंबर 10, अगर आपको इन सब में नहीं जाना है और आपको मीडिया हाउस में जाना है, तो मैगजीन्स जो आते हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर्स आते हैं, और आपका मीडिया हाउस जो होता है उसमें भी आपको रिक्रूटमेंट मिल जाती है। मीडिया हाउसेस, मेरे पास सबके एग्जांपल्स हैं, सबके एग्जांपल्स हैं। जो सीए का जो फाइनेंस करियर है बहुत रिक्रूटिव है, और हर एक फील्ड में इंडिया में मैंने देखा मैक्सिमम जो सीएफओ होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं हमें बताया ही नहीं गया कि सीए कैन बी ए गुड फाइनेंशियल मैनेजर। सीए का एक करियर ऑप्शन फाइनेंस भी है। फाइन सर, नॉर्मली सीए को लोग जानते हैं एज एन ऑडिटर, अकाउंटेंट, बट नहीं, हर एक फील्ड में, फाइनेंस के हर एक फील्ड में सीए का बोलबाला है। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप इसको अपने करियर ऑप्शन चूज कीजिए, देखिए स्काई इज द लिमिट। हाँ, धीरे धीरे होगा, होले होले होगा, एक बार में कुछ नहीं होगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ये थोड़ा जो आजकल हड़बड़ाहट होती है उसको थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। फाइन सर, अनिल सिंघवी जी को आप जानते हैं, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप समझ सकते हैं कि जी बिजनेस में काफी अच्छे ये एंकर हैं और काफी अच्छा रिसर्च करते हैं। मोतीलाल ओसवाल, ये दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों ही फ्रेंड्स हैं, दोनों ने ही अपनी क्लासेस, अपनी सीए की क्लासेस की, हॉस्टल में रहते थे, आरबीजी हॉस्टल में रहते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और वहाँ से इन लोगों ने क्वालिफाई करके एक बड़ी कंपनी खोली। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक है। फाइन सर, तो बहुत सारे करियर ऑप्शन मैंने लिखवाया आपको। रिस्क मैनेजर्स, मैंने आपको लिखा है रिस्क मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में भी है। रिस्क मैनेजर्स इज सडनली अ हॉट जॉब, आजकल हर कंपनी को रिस्क मैनेजर चाहिए। इंडियन कंपनीज नाउ फोकसिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट, डिमांड फॉर रिस्क मैनेजर्स इंक्रीजेस, कॉर्पोरेट इंडिया नीड्स टू एक्सीलरेट ऑन रिस्क मैनेजमेंट, डेथ ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स रेज कंसर्न, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स की कमी है इंडिया में, सैलरी सोरिंग फॉर रिस्क मैनेजर्स एट बैंक्स, सैलरी आसमान को छू रही है रिस्क मैनेजर्स की, यस बैंक अपॉइंट्स नीरज धवन एज चीफ रिस्क ऑफिसर। नाउ हु इज नीरज धवन, ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप समझ रहे मेरा बात, कि आप देखिए कि एक सीए बनकर आप कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। पीएनबी अपॉइंट्स एके प्रधान, नाउ हु इज एके प्रधान, अगेन ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइन, संजय सोमे ज्वाइंस नियो ग्रोथ एज चीफ रिस्क ऑफिसर, तो ये भी कौन है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये सब जितने भी नाम हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये सब आप देख रहे हैं, रिस्क मैनेजर्स भी आजकल काफी डिमांडिंग है और ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो ये वी शुड बी प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने इतना अच्छा किया, फाइनेंस को इतना अच्छा समझ पाए और आज इतना अच्छा वो अपने लिए कर पाए, और डेफिनेटली हमारे लिए तो रोल मॉडल की तरह ही है। फाइन, तो बहुत सारे हैं, मतलब मैंने कहा ना ऑलमोस्ट सारे ही सारे हैं, मतलब तो आप भी आएंगे आगे, डेफिनेटली आपको भी मौका मिलेगा, बट आपको अगर पहले दिन में ही आप हार मान लेंगे, पहले दिन से सोचेंगे नहीं नहीं यार ये तो सीए का काम नहीं है, हम तो ऑडिट करेंगे, हम तो टैक्सेशन करेंगे, इनफैक्ट आपका मन होने के बावजूद भी आपको ये बोला जाता है कि नहीं नहीं ये सीए का काम नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए है जो
ये कहते हैं कि सीए का काम रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में है, ये सब के सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी अच्छी सैलरी भी होती है, 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आई है चीफ रिस्क ऑफिसर की, और भी एडिशनल क्वालिफिकेशन माना गया है, लेकिन 5 लाख रुपए पर मंथ आप देख सकते हैं कितना रिस्पॉन्सिबल जॉब है ये। म्यूचुअल फंड करियर, जो मैंने बताया म्यूचुअल फंड भी करियर ऑप्शन है, जितने भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो ऑलमोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये भी हम सेपरेट हम चैप्टर करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड का, रिस्क मैनेजमेंट का भी हम सेपरेट चैप्टर करने वाले हैं। सारे के सारे यंग एंड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सोहिनी अदानी SBI म्यूचुअल फंड की मैनेजर है, म्यूचुअल फंड मैनेजर, अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट, विनीत सबरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब एक से एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है, सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। म्यूचुअल फंड अर्न्स इन करोड़, ये मेरा नहीं है, ये आप सर्च करिएगा आपको पता चल जाएगा। हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स मिलिंद बारवे, आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बात है कि हमारे लोग, हमारे प्रोफेशंस के लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। फाइन सर, म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल्स आर पेड लाइक किंग्स, राजा की तरह उनको पे किया जाता है, मतलब क्योंकि ऑब्वियस बात है ये सब हम ऑलरेडी एक बार और करने वाले होंगे जब म्यूचुअल फंड का हम क्लास करेंगे। इवन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा लाइन है फाइनेंस, जहां पर वो अपना जो टाइम टेबल है वो भी मेंटेन कर सकते हैं, यहां पर एक फिक्स शेड्यूल होता है, 9 से 5 का जॉब होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, आराम से आप मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं और काफी अच्छा नाम है। अगेन आई गॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स व्हाइल परस्यूइंग माय सीए, तो हो सकता है हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हो जिनको मेरे से प्रेरणा मिली हो और वो आगे चलकर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसी तरह से प्रेरणा मिलती है, कोई ना कोई तो बोलता ही होगा, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो आगे आकर बताना पड़ेगा कि भैया सीए का ये भी काम है, सीए वाले ये भी करते हैं, सिर्फ ऑडिटिंग और टैक्सेशन और अकाउंटिंग का काम नहीं है, हाँ वो भी काम है लेकिन ये भी काम है, इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं। आपको ये कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं है तो आपको मैं सैकड़ों एग्जांपल दे दूंगा, सैकड़ों से भी ऊपर कुछ होता होगा तो वो सोच लीजिए, उतने एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप समझ रहे हैं मेरा बात। तो एक एक में आपको नाम बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट जस्ट टू लेट यू नो कि बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, हम लोग पढ़ने वाले हैं तो म्यूचुअल फंड में भी आप करियर बनाएंगे तो उसका कैसे करियर होगा, पहले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे, समझेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसको कैसे काम किया जाता है, कैसे इसके अंदर का काम होता है, कैसे हम प्रैक्टिकली इसमें पैसा लगाते हैं, कैसे इन्वेस्टर्स लोगों को हम बताते हैं, रिटर्न कैसे होता है, कैलकुलेटिव, सारी चीज आपको प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी। सर, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आई स्टार्टेड सिप, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, and got this email from ICICI Prudential regarding confirmation of units allotment. आप समझ रहे हैं मतलब कितना खुशी मिल रहा है कि भैया 100 रुपए 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उनको सारा कुछ प्रैक्टिकल पता चल गया। तो म्यूचुअल फंड का तो पूरा पूरा चैप्टर हमारे पास है, आप देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको बोल रही है कि भैया आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेट से यू कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट 1000 अ मंथ इन स्टॉक मार्केट, यू कैन सिंपली इन्वेस्ट इन अ फंड इवन थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो भी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, जिस बच्चे ने बोला कि सर मैंने SIP किया है, तो ये इंस्टीट्यूट के तो मटेरियल में ही लिखा हुआ है। अब आप SIP का मतलब ही नहीं समझेंगे, आपने कभी SIP जिंदगी में कभी किया ही नहीं, तो आप इन सब चीजों को तो रट्टे मारेंगे, आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल कैसे समझ पाएंगे, तो हर एक चीज का हम लोग को प्रैक्टिकल करना है, ठीक है ना, आप समझ रहे चीज को। ये पूरा पूरा हमारा म्यूचुअल फंड का एक पूरा इंडस्ट्री है, पूरा चैप्टर है। मिलिंद बारवे इंडिया के बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर है, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, करोड़ों का सैलरी पैकेज है, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको पहले दिन से ही प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते हुए आगे बढ़ना है। और हम फॉर्चुनेट है कि हम लोगों को इंस्टीट्यूट ने इतना अच्छा मटेरियल बना के दिया है, इतना अच्छा कवरेज दिया है कि हम उसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। फाइन सर, तो बहुत सारी लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं, फाइनेंशियल लिस्ट ऑफ कंपनी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं, तो गिनती नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको सारी कंपनीज के बारे में बता सकूं यहां पर, बट डेफिनेटली अगर आप लिस्ट ऑफ कंपनीज पूछेंगे कि सर लिस्ट ऑफ कंपनीज बताइए, तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 में मैं आपको यही बोल सकता हूं कि कुछ एक दो कंपनीज जो मुझे काफी अच्छी लगती है, और तो लिस्ट में आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा लिस्ट ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं,
मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो बारक्लेस करके कंपनी है, काफ़ी अच्छा इनका वर्किंग प्रोफेशनल्स इन्वायरमेंट है, बारक्लेस, क्रेडिट स्विस, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स एज एन आर्टिकल यहाँ पर रिक्रूट किए गए, HSBC, JP Morgan, गोल्डमैन, ये वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं और अनगिनत, अनलिमिटेड। मैं आपको कुछ लिस्ट ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, बट लिखवाना पॉसिबल ही नहीं है। नोमुरा, बारक्लेस, क्रेडिट स्विस, HSBC, JP Morgan, ये सब तो वो हैं जो CA एज एन आर्टिकल को रिक्रूट करती है, मतलब आप इसमें रिक्रूटमेंट पा सकते हैं। नोमुरा, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली, मॉर्गन स्टैनली, अनएंडिंग, इसको लिखवाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। ब्लैक रॉक करके भी एक कंपनी है, और इंडिया की तो है ही, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, ICICI डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, इन सब में बहुत सारे CA को रिक्रूट किया गया है, ठीक है। फाइन सर, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, तो सारी कंपनीज लिखवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैरिन लीच करके भी एक कंपनी है, काफी अच्छा माना जाता है वो, ठीक है। फाइन सर, तो अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, सर इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है फाइनेंस के प्रोफेशनल्स की, जरा देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, सवाल ये उठता है, इंडिया में क्या कोई अपॉर्चुनिटी है फाइनेंस करियर का। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, इन इंडिया लेस देन 1.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग इन इंडिया लेस देन 1.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट। कितना ज्यादा स्कोप है आप सोच सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 10% ऑफ चाइनास पॉपुलेशन एंड 18% ऑफ USA पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग इन इंडिया लेस देन 1.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट एंड 10% ऑफ चाइनास पॉपुलेशन एंड 18% ऑफ USA पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो आप, आई थिंक ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी कुछ कहता है, कुछ कहने की बात ही नहीं है कि सर फाइनेंस का इंडिया में क्या स्कोप रहेगा। इक्विटी मार्केट रहेगा तो पूरा फाइनेंशियल मार्केट रहेगा, आगे चलकर हम स्टॉक मार्केट अभी शुरू करेंगे तो उसमें मैं आपको ये स्टेटमेंट देने वाला हूं कि अगर स्टॉक मार्केट नहीं रहेगा तो कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं देने वाला हूं, और अगर मैं गलत हूंगा तो आप प्लीज मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा। क्योंकि आज जो कंपनी बड़ी बनी है, रिलायंस, टाटा,
ये सब हमारे पैसों से ही तो बड़ी बनी है, हमसे उन्होंने पैसा लिया था, हमने उन्हें पैसा दिया था और तब जाकर वो इतनी बड़ी बनी है, तब जाके उन्होंने शेयर लिस्ट किया, तब अगर लिस्टिंग नहीं होती तो हमने पैसा लगाना ही नहीं था। आज अगर मैंने कहीं पैसा लगाना है और मुझे यह पता लगे कि वो कहीं मैं बेच नहीं सकूंगा तो मैं कभी पैसा देता ही नहीं। तो स्टॉक मार्केट का कितना बड़ा भूमिका है, अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता तो बड़ी सी बड़ी कंपनी पैसा रेज नहीं कर पाती, आज वो इतनी बड़ी नहीं बन पाती। आज हमने रिलायंस को पैसा क्यों दिया स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें यह पता था कि भैया ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा और मैं कभी भी जब चाहे मैं इसे बेच सकता हूं, लिक्विडिटी मेरे को पूरा मिलता है, मैं शेयर मार्केट में कभी भी बाई कर सकता हूं, कभी भी बेच सकता हूं, तभी तो मैंने रिलायंस को पैसा दिया। नहीं तो रिलायंस के बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आता ही नहीं, उनके पास खुद पैसे होते तो वो हमसे मांगते ही क्यों। तो बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा ये कवरेज है, बस आप हौले हौले धीरे धीरे चलिए क्योंकि उसमें ही मजा है। धीरे धीरे कर कर हम आपको हर एक लेवल पर आपको एक्सपर्ट बना देंगे। चलिए तो जॉब ओपनिंग्स हैं कि नहीं सर, जॉब प्लेसमेंट्स जॉब ओपनिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट नंबर 8। सर जॉब ओपनिंग्स प्लेसमेंट ऑफरिंग्स, सर क्या इस लाइन में ऑफरिंग्स हैं? ऑफरिंग्स सो सर फाइनेंस में क्या आपकी जॉब प्लेसमेंट है, ऑफरिंग्स हैं? आजकल हर एक कंपनी को ऐसे एक्सपर्ट चाहिए जिनको फाइनेंशियल नॉलेज है। आप देख सकते हैं एक मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन है जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट, मतलब आपको इक्विटी मार्केट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह एक बात है, अगर आप इक्विटी मार्केट का नॉलेज ही नहीं होगा, आपको शेयर्स या स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होगा तो आपके यहाँ से तो ये जॉब चला जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग इन फाइनेंस फील्ड कैन बी अ लुक्रेटिव करियर ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, इसको लिख देते ताकि आपको कॉन्फिडेंट रहे आप कि नहीं हम एकदम सही करियर ऑप्शन की ओर बढ़ रहे हैं। वर्किंग इन फाइनेंस फील्ड कैन बी अ लुक्रेटिव करियर ऑप्शन, वर्किंग इन फाइनेंस फील्ड कैन बी अ लुक्रेटिव करियर ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कितनी बड़ी बात है, इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और सबसे अच्छी बात मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लगती है ये कि यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पढ़ रहे हैं अमेरिका में भी वही पढ़ेंगे, यूके में भी वही पढ़ेंगे, मतलब बीटा का कॉन्सेप्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, एवरीथिंग सेम आपका रहेगा। अगर आप यूएसए में भी पढ़ रहे हैं तो फाइनेंस की कोई बाउंड्री नहीं होती कि आपको यहाँ तक सीमित कर दिया जाए। लॉ पढ़ेंगे तो इंडियन लॉ ही पढ़ रहे होंगे, टैक्सेशन भी इंडिया से ही पढ़ रहे होंगे और इंडिया का ही आप टैक्सेशन यहाँ पर एक्सपर्ट बनेंगे। लेकिन फाइनेंस में आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं। दुबई अच्छा फाइनेंशियल हब है, हांगकॉन्ग अच्छा है फाइनेंशियल हब, आप अमेरिका जा सकते हैं, sky is the limit for you. Fine sir, the concept of finance या financial management is same all over the world. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में सेम है। फाइन, तो ये भी एक तरह का प्लस पॉइंट हो गया कि आप इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर का भी सोच सकते हैं, अच्छी प्लेसमेंट का सोच सकते हैं, ठीक है। फाइन सर, वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज
फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बहुत सारी बात हो गई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ताकि आपका इंटरेस्ट बने और आप इस करियर ऑप्शन को भी चूज करें। कॉन्सेप्ट नंबर 9, तो आपके रोल मॉडल्स कौन हो सकते हैं फाइनेंस में? ऐसे तो बहुत सारे आपके रोल मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं नाम बोलूं तो खैर पूरी क्लास लग जाएगी, लेकिन नाम खत्म नहीं होगा रोल मॉडल्स के अगर मैं नाम बोलने लगूं तो। एसपी तुलसियान जी, ये भी एक सीए हैं और बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं और बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। अनिल सिंघवी जी डेफिनेटली रोल मॉडल है हम लोगों के लिए, जो सीए हैं और बहुत अच्छा ये भी रिसर्च करते हैं। आदित्य पुरी हाईएस्ट पेड बैंकर हैं, और क्या ही कहना, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मतलब सभी जितने भी फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं इंडिया के, ऑलमोस्ट सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अभी उनको 840 करोड़ रुपए मिले रिटायरमेंट में, आदित्य पुरी जी को 840 करोड़। जी हाँ, तो मैं क्या ही कहूँ अब अपने आप में। मिलिंद बारवे जी, निर्मल जैन, ये भी IIFL के चेयरमैन है और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। मोतीलाल ओसवाल के बारे में भी आपको पता है, सीए स्टूडेंट से सीए स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स बन गए। और राकेश झुनझुनवाला, आई थिंक ही कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ रोल मॉडल, इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाते हैं ये। तो ऐसे तो बहुत सारे अनलिमिटेड रोल मॉडल्स हैं। राधा कृष्ण दमानी जो राकेश झुनझुनवाला के गुरु हैं, ठीक है, वो राधा कृष्ण दमानी ये भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं इन्वेस्टमेंट करके। वॉरेन बफेट वर्ल्ड नंबर वन इन्वेस्टर हैं और इनका तो 11 साल की उम्र में ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, तो इनका तो पूरा एक लाइफ आपको स्टडी करना चाहिए। तो एक तो वर्ल्ड नंबर वन इन्वेस्टर का जो दर्जा दिया गया है वो वॉरेन बफेट को दिया गया है। आप प्लीज़ इनको स्टडी कीजिएगा जब भी आपके पास टाइम मिले। वर्ल्ड नंबर वन वॉरेन बफेट और इंडियाज नंबर वन का जो इन्वेस्टर लोगों ने जो दर्जा दिया है वो राकेश झुनझुनवाला को दिया है, जो हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन उनकी जो सीख है वो हमेशा हमारे बीच में रहेगी। राकेश झुनझुनवाला फाइन हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज भी वो हमारे बीच में हैं, क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स हैं, आज उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हुए समझते हुए बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला वैसे तो अनलिमिटेड लिस्ट हैं, बट ये दो रोल मॉडल को आपको स्टडी करना चाहिए। वैसे लिस्ट इज परपिचुअल, यहाँ पे सिर्फ दो लोगों की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा किया है, बट अगर कम में दिखना है तो ये दो लोगों को ही पढ़ लीजिए, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो वॉरेन बफेट जी की खास बात यह है, Started investing at the age of 11. Yes, friend. Started investing at the age of 11. और राकेश झुनझुनवाला की बात यह है, created a wealth of rupees 20,000 crore. From rupees 5,000, 5,000 रुपए अपने पापा से लिए थे और 5,000 रुपए से ही created a wealth of 20,000 करोड़। एक सीए ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि इस कोर्स में इतना दम है कि क्या कहना, मतलब आई एम प्राउड टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइन सर, तो ये वर्ल्ड नंबर वन वॉरेन बफेट का वेल्थ तो खैर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैं ये वॉरेन बफेट जी, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट 11 साल की उम्र में इन्होंने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया था और तब से ये आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में इन्होंने इतना अच्छा नाम कमाया है। और राकेश झुनझुनवाला जी ने 5,000 रुपए से शुरू किया था, 20,000 करोड़ का वेल्थ है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सीख, उनकी नॉलेज, उनका मोटिवेशन हमेशा हमारे साथ रहेगा। फाइन सर, सी ए बनने के बाद आपको कौन सा डिजिग्नेशन चूज करना पड़ेगा इन फाइनेंस? सबसे टॉप डिजिग्नेशन क्या है फाइनेंस का? कॉन्सेप्ट नंबर 10, फाइनेंस का सबसे टॉप डिजिग्नेशन बताइए। टॉप डिजिग्नेशन इन फाइनेंस, फटाफट बताइए।
सबसे टॉप डेजिग्नेशन इन फाइनेंस क्या है? बिल्कुल आपने सही सोचा होगा, अगर आप फाइनेंस में जाना चाह रहे हैं और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाह रहे हैं तो आप CFO पोस्ट को टारगेट करिए। CFO पोस्ट जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट माना जाता है, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ऑलमोस्ट सारे CFO मेरी नज़र में ऑलमोस्ट सभी CA हैं, क्वालिफाइड हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या करता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सारे फाइनेंशियल मैटर्स में डिसीजन मेकिंग में पार्ट रोल प्ले करता है। बहुत ही बड़ी पोस्ट है ये। CFO ओवरसीज ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स एंड डिसीजन मेकिंग। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने में, इनका काफ़ी अच्छा भूमिका रहता है। द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज द हाइएस्ट रैंकिंग फाइनेंशियल पोजिशन इन अ कंपनी एंड ओवरसीज द फाइनेंशियल ऑपरेशन, बजटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द कंपनी। द CFO विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द CEO एंड मे ऑल्सो बी मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द मेन ड्यूटी ऑफ द CFO इज टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी बाई कीपिंग ट्रैक ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेज, एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हमारे बुक में है, ये सब हमारी ये सिलेबस का पार्ट है। हम ऑलरेडी हम इन टू द सिलेबस है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अभी सिलेबस नहीं हुआ, वी आर इन टू द सिलेबस। आप देख सकते हैं, मतलब जस्ट क्योंकि आपको बार बार लगता है कि नहीं ये सिलेबस में नहीं है, ऑलरेडी CFO का पूरा रोल हमारे सिलेबस में है। आप देख सकते हैं एडवांस्ड रोल ऑफ CFO, देखिए पहला ही लाइन, एडवांस्ड रोल ऑफ CFO, आप देख सकते हैं ये सब हमारे सिलेबस में है एवरीथिंग। और MCQ कहीं से भी आ सकता है, पूरा ध्यान से सुनिए जो चीज यहां बताया जा रहा है, A to Z सब कुछ सिलेबस में, एक भी चीज बाहर से नहीं है। एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट बहुत टफ होने वाला है, ये बात मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए, सब्जेक्ट टफ होने वाला है। CA फाइनल में 6 सब्जेक्ट है, तो आसान मत समझिए। सिलेबस का जो डेप्थ है, सिलेबस का जो डिटेल्ड है, वो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप ऊपर ऊपर से पढ़ नहीं सकते हैं, अब आपको धीरे धीरे हौले हौले करके पूरा डिटेल कवरेज लेते हुए, पूरा नोट्स बनाते हुए, पूरे क्वेश्चंस करते हुए, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं मेरा बात? तो ये एवरीथिंग इज इन द सिलेबस। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग एक बार सब कुछ ओवरव्यू दे रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है। जब तक पिच नहीं तैयार होगा तब तक हम लोग खेलेंगे कैसे? फर्स्ट नोट ही आपके न्यू सिलेबस का CFO के ऊपर है, आप देख सकते हैं आपके सामने है ये चीज, पूरा फंक्शन वंक्शन रोल सप्लाई मैनेजमेंट मर्जर इक्वेशन, बहुत सारा बड़ा नोट्स है, क्योंकि हम लोग नोट्स को लिखेंगे नहीं, थ्योरी बुक में सारा चीज आपको मिलेगा, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, तो कोई ऐसा लगता होगा कि ये सब सिलेबस में नहीं है, सब कुछ सिलेबस में है, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, फाइन। तो अगेन बहुत सारे CA इसमें आप आगे आए हैं CFO में, और आप देख सकते हैं सारे CFO हैं, तो मैं CA हैं तो मैं उसमें जा नहीं रहा हूं। बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट भी हैं, और ये निरंजन रॉय ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बहुत सारे लोग हैं, तो लिस्ट इज अनलिमिटेड। आकृति चोपड़ा CFO ऑफ Zomato, अगेन सी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप समझ सकते हैं कि कितने यंग लोग आगे आ रहे हैं और हम सब के लिए एक प्रेरणादायक है, हम सब के लिए रोल मॉडल है। चलिए सर, तो फाइनेंस एक हिडन प्रोफेशन था जो आज खुल के बाहर निकला है और एकदम तेजी से निकला है कि अब बनना है तो फाइनेंस प्रोफेशनली बनना है। जब ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी मेहनत करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी इस लिस्ट में आएंगे, हम भी कभी ऐसा बनेंगे कि सर हमारा भी एग्जाम्पल क्लास में ले। ऐसी सोच होनी चाहिए। सोच जब तक तंग है जिंदगी तब तक जंग है। तो सोच को बड़ा कीजिए, जिंदगी अपने आप बड़ी हो जाएगी। फाइन सर, कॉन्सेप्ट नंबर 11, वर्किंग आवर्स। सर यहां पे वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं? नॉर्मली
ऑडिटर्स लोग से अगर हम ये पूछे तो वो कहेंगे कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, सैटरडे संडे भी आना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा, मैं एक जनरल बता रहा हूँ, वर्किंग आवर्स बड़ा लिमिटेड है। यहाँ पर 10 AM to 6 PM हमारा वर्किंग आवर है, और मार्केट वैसे भी 3-4 बजे बंद हो जाती है, तो वैसे भी इतना लेट नाइट काम नहीं रहता। बट हो सकता किसी का रहता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जनरल मैं बात कर रहा हूँ। मंडे टू फ्राइडे रहता है, तो अगेन आप अपने लाइफ को भी अपना टाइम दे सकते हैं, आप फ्री टाइम भी आपके पास रहेगा, और सैटरडे संडे आपका यहाँ पर ऑफ रहता है। सैटरडे संडे तो ऑलमोस्ट ऑफ रहता ही रहता है, इसमें तो मैं आपको कह सकता हूँ फाइनेंस प्रोफेशनल्स का, बाकी भी लोगों का रहता होगा, ठीक है, बाकी मैं फाइनेंस प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी दिस इज जस्ट अ जनरल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हो सकता है अगर आप टॉप लेवल में हो, सीनियर लेवल पर हो, तो हो सकता है आपको एडिशनल आवर्स भी देना पड़ सकता है, ठीक है। बट ये मैं नॉर्मल वे में बताया कि वर्किंग आवर्स 10 से 6 रहता है, मंडे टू फ्राइडे रहता है काम, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सर ठीक है, आपके कहने पे हम फाइनेंस को अपना करियर बनाने वाले हैं, लेकिन क्या है फ्यूचर? सर आज तो अच्छा लग रहा है, फ्यूचर का बताइए सर, इंडिया में और वर्ल्ड में फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इन इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो एक रिसर्च में बताया गया है द फाइनेंशियल सर्विस मार्केट is expected to reach the financial service market is expected to reach 28.52 trillion dollar। मतलब अभी आप इसको फिगर में समझ नहीं पा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है कि जो फाइनेंशियल सर्विस मार्केट है, जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट है, ये सब एक्सपेक्टेड है कि 28.2 ट्रिलियन डॉलर रीच कर जाएगी, फाइन, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फाइन सर, तो फ्रेंड्स यही कहना चाहूंगा कि लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, फाइन। और मेरा कहना है जितना अच्छा लर्न करेंगे, लर्न मोर अर्न मोर, जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी ही अच्छी अर्निंग होगी। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, द मोर यू विल लर्न, प्लीज आप लिख लें इसे, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या, ठीक है, द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न, लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्न मोर अर्न मोर, ठीक है। इस चीज को हम याद रखेंगे क्योंकि वक्त का तकाजा है लहरों से जूझना सीखो, वक्त का तकाजा है लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो, सागर को चीरना सीखो, फाइन सर। आइए फ्रेंड एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर देते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, एक नए पेज में नया टॉपिक लिखेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, फाइन। तो मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर हमारे सिलेबस के लिए है, विदाउट स्टॉक मार्केट नॉलेज दीज चैप्टर्स विल बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इम्पॉसिबल, द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज चैप्टर्स इज ड्यू टू स्टॉक मार्केट।
अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता तो ये चैप्टर ही नहीं होते, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, ये तो डायरेक्ट चैप्टर्स हैं। बाकी के सारे चैप्टर्स इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के वजह से ही हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की वजह से ही हैं। पोर्टफोलियो आप किसका बनाएंगे? इक्विटी शेयर्स का ही तो बनाएंगे। म्यूचुअल फंड में पैसा कहां लगाएगा? म्यूचुअल फंड आगे पैसा कहां लगाता है? इक्विटी शेयर में ही तो लगाता है। डेरिवेटिव किसका होता है? इक्विटी शेयर का ही तो होता है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन किसका करेंगे? इक्विटी शेयर का ही तो करेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस किसका करेंगे? इक्विटी शेयर का ही तो करेंगे। आप देखिए, आप अपने सिलेबस को तो देखिए। तो साफ साफ मैं यहां बोलना चाहता हूं कि ये चैप्टर का एग्जिस्टेंस ही स्टॉक मार्केट से है। इंपॉर्टेंट, मैं पहले से आपको एक नोट बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिलेबस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली पढ़ा जाए, ताकि एग्जाम में टफ से टफ क्वेश्चन भी आए तो आप उसे कर पाए। फाइन सर, विदाउट स्टॉक मार्केट knowledge, without stock market knowledge, these chapters of new syllabus, without stock market knowledge, these chapters of new syllabus will be impossible to understand, impossible to understand the existence of this chapter, existence of these chapters is due to stock market, is due to stock market, the existence of this chapter is due to stock market. Chapter 4, security analysis. Chapter 5, security valuation. Chapter 6, portfolio management. Chapter 8, mutual fund. ये direct chapters हैं. And chapter 9, वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन ये डायरेक्ट चैप्टर्स आपके इंपैक्ट करेंगे। डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, सो यह चैप्टर को समझने के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, आपको स्टॉक मार्केट में नॉलेज रखना ही पड़ेगा, नहीं रखने से काम नहीं चलेगा। जगह जगह हर क्वेश्चन में आपको सेंसेक्स निफ्टी पूछा, आप देखिए एक मैंने कहां पे क्वेश्चन दिखाया, आपके न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, आप देखिए सेंसेक्स, एनएसई, निफ्टी, ये सब स्टॉक मार्केट का ही रेट दे रहा है। ये रेट स्टॉक मार्केट का है, क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ एनएसई, निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, ये सारा स्टॉक मार्केट का ही रेट है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का रेट है। इंडेक्स मतलब इंडिया में दो मेन इंडेक्स होती है, निफ्टी और सेंसेक्स, वो सब हम बताएंगे आपको। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से और समझ के पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चंस होंगे नहीं आपसे। फ्यू लेक्चर्स ऑफ लर्निंग फॉर लाइफ टाइम ऑफ अर्निंग। तो यहां मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 में यह बोल सकता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में यह बोल सकता हूं कि दिस चैप्टर इज बैकबोन ऑफ, दिस चैप्टर इज द बैकबोन
ऑफ AFM या SFM सब्जेक्ट. दिस चैप्टर इज द बैकबोन ऑफ AFM या SFM सब्जेक्ट. फाइन. सो इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया है. आइए इस स्टेटमेंट के साथ हम इस चैप्टर को करते हैं. प्रैक्टिकल चैप्टर है जहां पर आपको यह पता चलेगा कि यह पूरा फाइनेंशियल मार्केट काम कैसे करता है. कॉन्सेप्ट नंबर टू. सबसे पहले यह स्टॉक मार्केट होता क्या है. व्हाट इज स्टॉक. इसको हम लोग इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं. इक्विटी मार्केट. फाइन सर. ये स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट क्या होता है. तो सिंपल डेफिनेशन, हम कोई बुकिश लैंग्वेज का डेफिनेशन हम नहीं लिखवाने वाले आपको. स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस, इज अ प्लेस. स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी कैन, वेयर वी कैन बाई एंड सेल शेयर्स. बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखाया है. एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम शेयर बाई और सेल कर सकते हैं. इतना आसान डेफिनेशन है. और स्टॉक मार्केट तो पूरे दुनिया में इतना बड़ा चीज बन चुका है और इतना छोटा डेफिनेशन. जी हाँ, बस यही है. लेकिन इसी में सब कुछ है. अगर आप बाई सेल नहीं कर सकते तो कभी आप कंपनी को पैसा नहीं देते, कभी कंपनी बड़ी नहीं बनती, कभी कंपनी अपनी फैक्ट्री नहीं सेट करती, मतलब कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं होता, और कभी इन्वेस्टर्स का वेल्थ नहीं बढ़ता. आज जिन्होंने जिन्होंने मान लीजिए एप्पल का शेयर खरीदा था आज से कुछ साल पहले, आज वो माला माल बन गए हैं, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए. आप समझ रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए कितना जरूरी है ऐसा एक प्लेटफॉर्म. और इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव मार्केट है. द इक्विटी मार्केट हैज ओपन्ड अ लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज इन रिसेंट इयर्स. इक्विटी मार्केट बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है. दिस मार्केट इज गेटिंग बिगर डे बाय डे एंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द स्टॉक मार्केट आर ग्रोइंग एवरी डे. पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, वेदर साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, आर शोइंग मोर एंड मोर इंटरेस्ट टू परस्यू देयर करियर इन स्टॉक मार्केट टूडे. तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा ये मार्केट बन गया है. द इक्विटी मार्केट हैज ओपन्ड अ लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज इन रिसेंट ईयर्स. तो इस सोच के साथ हम इस चैप्टर को करेंगे कि हमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, हम उस अपॉर्चुनिटीज को खोए ना सिर्फ यह सोचकर या यह समझकर कि हमने तो कभी इस चैप्टर में या इस करियर में इंटरेस्ट ही नहीं लिया. अपॉर्चुनिटीज कहीं भी कभी भी किसी भी मिल सकती है. हम उसके लिए तैयार है कि नहीं. बिल्कुल है सर. आपकी क्लास ज्वाइन करने का मतलब ये है कि हम इस सेक्टर के लिए भी तैयार हैं. फाइन सर. सो कॉन्सेप्ट नंबर थ्री. हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है. रेगुलेशन. एक नियम होता है हर एक मार्केट को रेगुलेट करने का. ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट. रेगुलेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट. सो इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है. इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. तो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी का होता है. आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों है, मार्केट 9:15 ही क्यों खुलता है, 3:30 बजे बंद क्यों होता है. ये सब का एक नियम बना है जो सेबी ने एक नियम रखा है मार्केट में काम करने का, बाई सेल करने का, और उसे हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है. तो सेबी के
गाइडेंस पे, सेबी के रेगुलेशन पे ये पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट काम करता है। फाइन सर, तो बहुत बार हम न्यूज़ सुनते हैं कि भैया सेबी ने एंटिटी पे फ्रॉड किया और उस पर फाइन लगा दिया, सेबी ने आरकॉम का जो केस है उसको सेटल करने के लिए इतना पेनल्टी लगाया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आए दिन आप ये न्यूज़ सुनेंगे कि सेबी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और बहुत अच्छा यहाँ पर सेबी का परफॉर्मेंस है, ताकि छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पैसे ना डूबे और उनको सही काम करने का मौका मिले, इक्वल प्लेटफॉर्म मिले सभी को काम करने का। फाइन सर, कॉन्सेप्ट नंबर फोर, टू मेन स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया, टू मेन ऑफ इंडिया, इंडिया के दो मेन स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं? इंडिया के दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है एनएसई और एक है बीएसई। फाइन, एनएसई स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बहुत बार हमारे एग्जाम क्वेश्चंस में एनएसई बीएसई यूज होता है, उसके इंडेक्स की वैल्यू दी जाती है, तो एनएसई स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फाइन, दोनों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो एनएसई और बीएसई दोनों ही प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किया गया है जहां पर आप शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। फाइन, चलिए सर, कॉन्सेप्ट नंबर फाइव, मार्केट की टाइमिंग्स क्या है, इक्विटी मार्केट, मार्केट टाइमिंग्स। सो मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है, और जो टाइम है आपका वह 9:15 AM टू 3:30 PM। पब्लिक हॉलीडेज में भी मार्केट ऑफ रहता है, ठीक है, पब्लिक हॉलीडेज में भी मार्केट ऑफ रहता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट की टाइमिंग है। सो जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं किस टाइमिंग में आपको काम करना पड़ेगा और किस वक्त आपकी छुट्टी रहेगी। फाइन सर, कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स, पोजीशन इन स्टॉक मार्केट, आप क्या क्या पोजीशन ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आप दो तरह के पोजीशन ले सकते हैं, या तो आप ले सकते हैं बाइंग पोजीशन, फाइन ये सब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, या तो आप ले सकते हैं बाइंग पोजीशन, या तो आप ले सकते हैं सेलिंग पोजीशन, या तो आप शेयर खरीदेंगे या तो आप शेयर बेचेंगे। इसको हम लॉन्ग भी कहते हैं और इसे हम शॉर्ट भी कहते हैं, बहुत बार एग्जाम के क्वेश्चंस में ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, मतलब मैं आपको बार बार आपके न्यू स्टेटमेंट इसलिए दिखाना पड़ रहा है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सब चीज़ें ही हमारे सिलेबस में है, ये सब चीज़ें ही हमारे सिलेबस में है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मुझे बार बार मैं टेम्पटेड हो जाता हूँ कि आपके सिलेबस को दिखाऊं और ये बताऊं कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही सब चीजें हैं। फाइन सर, आप देख सकते हैं, मैंने आपका एक चैप्टर स्टडी मटेरियल निकाला है और आप देख सकते हैं लॉन्ग पोजीशन, बाइंग पोजीशन, आप देख सकते हैं ये सब चीजें, आपको एक एक वर्ड क्लियर होगा स्टडी मटेरियल का,
लॉन्ग पोजीशन आप देख रहे हैं, बाइंग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, सोल्ड, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, एक जगह नहीं जगह जगह यूज किया गया है। लॉन्ग पोजीशन, गोइंग लॉन्ग ऑन सिंगल स्टॉक, लॉन्ग मतलब बाई करना, शॉर्ट मतलब सेल करना। और कितना आपको प्रैक्टिकल चीजों को लिंक करवाऊं, इसलिए बार बार आप लिंक मत कराइएगा, पहली क्लास है। आज समझ लीजिए कि सर एक भी चीज बाहर से नहीं करवा रहे, सब चीज ए टू जेड चीज हमारे सिलेबस में है। अगर हम अपने सिलेबस का ही करवा दे तो वही उसमें भी मैं अपना अचीवमेंट समझूंगा कि आपको सारे चीज हम सिलेबस का करा पाए, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। फाइन सर, कॉन्सेप्ट नंबर 7, हाउ टू डिसाइड पोजीशन। सर हमें कब बाय पोजीशन लेना चाहिए और कब हमें सेल पोजीशन लेना चाहिए, हाउ टू डिसाइड पोजीशन, ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। कब हमें बाय पोजीशन लेना चाहिए, कब हमें सेल पोजीशन लेना चाहिए, क्यों शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं, क्यों शेयर प्राइस नीचे भागते हैं, क्या इसके पीछे पूरा कारण है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक आज का काफी अच्छा कवरेज हमने दिया है, बहुत अच्छा हमने आपको सारा चीज बात को हमने रखा है, और अब धीरे धीरे करके हम लोग अपने कवरेज को और बढ़ाते जाएंगे। फाइन सर, तो जाते जाते कुछ कोट्स जरूर बोलना चाहूंगा कि रिस्क तब होता है जब आपको यह नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। और याद रखिएगा, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और क्योंकि आज हमने इतनी सारी बातें की मनी मैनेजमेंट के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, तो ये कोट तो कौन भूल सकता है, इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट विल बी योर मिस्टेक, इट इज सेड बाई नन अदर देन बिल गेट्स। सो होपफुली आप अपने लाइफ को एक अच्छे मुकाम तक लेकर जाएंगे, और मेरा जो गाइडेंस है, मेरा जो सपोर्ट है, मेरा जो डायरेक्शन है, वो आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचा पाए जिसका आपने कभी कल्पना किया था। फाइन, तो फ्रेंड्स आज हम लोग अपना प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में आज हम आपको यह सिखाएंगे कि हम किस तरह से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या उसका एक लेआउट होता है, आईडी पासवर्ड से किस तरह से हम एंटर कर सकते हैं, किस तरह से हम डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और किस तरह से हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो आज का प्रैक्टिकल सेशन है। हाँ डेफिनेटली जब हम स्टॉक मार्केट की क्लासेस और डिटेल में कॉन्सेप्ट जाएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बट प्रैक्टिकल सेशन हम शुरू करते हैं और डेफिनेटली आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रैक्टिकल सेशन में। फाइन सर, तो आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो है डीमैट का वेबसाइट। हम अपने प्रैक्टिकल सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर यह जानना चाहेंगे कि डीमैट अकाउंट का जो पोर्टल है वो दिखता कैसे है, हम उसमें किस तरह से एंटर कर सकते हैं अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाकर, और हम लोग किस तरह से शेयर्स बाय कर सकते हैं। वैसे तो हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी धीरे धीरे करके हम स्टेप्स बढ़ाएंगे। अभी हम इतना चीज़ सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी कंपनी का मालिक बन सकते हैं, और आप ट्रस्ट में आप ये पाएंगे बहुत ही आसान है किसी भी कंपनी का मालिक बनना। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं। अभी मेरे से क्लाइंट आईडी मांगा जा रहा है, तो मेरा ऑटोफिल है, तो क्लाइंट आईडी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड पुट कर दिया, और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया। अब मुझसे ओटीपी मांग रहा है, ओटीपी मेरे मोबाइल में आएगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ओटीपी आने का, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ओटीपी आ चुका है 7445905590। ठीक है, मैंने साइन इन कर दिया। अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और ये मेरा एक पोर्टल है। बहुत सारी चीज़ मुझे यहाँ पे जाननी है, अभी धीरे धीरे चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। अभी हमें पहले देखना है कि मेरे पास फंड्स कितने हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास अभी 00 फंड्स दिखा रहा है, अभी मेरे पास इस अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तो अब मुझे इसमें पैसे डालने होंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरा बैंक अकाउंट इससे लिंक्ड है, मैं बैंक अकाउंट से कुछ पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डिपॉजिट लिखा। ठीक है, अपने आप मेरा यहाँ पर ऑटोफिल है, सारा कुछ ऑटोफिल है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर
अमाउंट मुझे कितना डालना है वो मुझे देखना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपीज डाला, मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज डाला और मैं यहाँ पर गया और मैं पे इन, देखिए पे इन है ना, पे इन मतलब पैसा लाना। बैंक अकाउंट से जब डीमैट अकाउंट में पैसा लाते हैं तो उसको पे इन कहते हैं, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पर आपको यू पी आई आई डी मांग रहा है, तो आप यू पी आई आई डी के थ्रू भी कर सकते हैं। आई होप कि उसमें लिमिट हो, बट चलिए एनीवेज यू पी आई आई डी एक बार मैं देने की कोशिश करता हूँ। फाइन, तो मैंने यहाँ पर आ गया, मेरे पास 1 लाख का नोटिफिकेशन आया है, तो मैं मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया है, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर पेटीएम मैंने ऑन किया, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं यहाँ पर पे कर रहा हूँ और यहाँ पर आपका ठीक है, देखिए आपके सामने सब चीज़ हो रहा है, हाँ आपके सामने सब चीज़ हो रहा है, पे हो चुका है, पे हो चुका है, बधाई हो। आपने अभी जीरो फंड दिखा रहा था, आपने इस अकाउंट को 1 लाख रुपए से रिचार्ज कर दिया है, मेरे तरफ से पेमेंट जा चुका है। डो नॉट क्लोज दिस पेज और रिफ्रेश। चलिए हम थोड़ा अब इंतजार करेंगे। तो हमने क्या किया, पेइंग किया, तो हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझा, पेइंग मतलब क्या होता है, जब हम बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसे पे इन कहते हैं, जब डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट में वापस पैसा लेके जाएंगे तो उसे पे आउट कहेंगे। बहुत इजी है, आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, पहले होता था चेक काटते थे, 2 दिन बाद क्लियर होता था, आजकल ऐसा कहाँ, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो यहाँ दिखा रहा है योर ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीट, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं अब मेरा जो अकाउंट है वो 1 लाख से रिचार्ज हो जाना चाहिए। एक बार मैं इसमें चेक करता हूँ कि मेरे पास कितना फंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है, मे बी अपडेट अभी नहीं किया गया है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न दे हैव नॉट येट अपडेटेड। तो देखते हैं, सक्सेस तो यहाँ दिखा रहा है, कोई नहीं, हो सकता ये अपडेट हो जाएगा। एक बार हम क्या करते हैं, हाँ आ गया, अपडेट हो गया, आप देख लें विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरा अकाउंट अपडेट हो गया। आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए यहाँ पे दिखा रहा है, आज मैंने 1 लाख रुपए इसमें डाल दिया है। अब मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहूँगा, आपके सामने बनना चाहूँगा, आइए हम चलते हैं। किसी कंपनी के शेयर को मुझे ख़रीदना है, क्योंकि मेरा अभी अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है लर्निंग करवाना, टीचिंग करवाना। तो मैं कोई भी एक शेयर अभी मैं उठाऊंगा, मैं अभी रिसर्च नहीं करूंगा, मैं अभी सोचूंगा नहीं कि मेरा क्या प्रॉफिट लॉस हो, क्योंकि मार्केट में मैं अभी हूँ नहीं। मुझे तो सिर्फ आपको यह सिखाना है कि बाई सेल करना कैसे है, तो मैं आपको बाई करना सिखा रहा हूँ। सर आप ये क्या देख रहे हैं, मैं ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि कोई एक शेयर मिल जाए तो एक बार आपको दिखा दूँ कि किस तरह से बाई करते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सर, कौन सा शेयर आप बाई करना चाहेंगे, लेट से मैंने बाई करना चाहा, फॉर एग्जांपल लेट से मैं बाई करना चाहा, बहुत सारे शेयर्स दिख रहे हैं, तो मैं जस्ट क्योंकि आपके सामने बैठ के लाइव मार्केट को आपको शो कर रहा हूँ, तो कोई भी शेयर बाई कर लीजिए सर। तो आप देखते हैं कौन सा शेयर यहाँ पर आ रहा है, कोई अच्छा आ रहा है तो उसको बाई कर लेंगे, नहीं तो फिर कोई भी बाई कर लेंगे, हमें तो सिर्फ सिखाने से मतलब है। ठीक है सर, तो ऐसा करते हैं, एक अच्छी कंपनी उठाते हैं, बताइए कोई कंपनी बताइए, लिस्टेड कंपनी तो बहुत सारी है। तो एयरटेल कंपनी का आपने नाम सुना होगा, आइए भारतीय एयरटेल हम लोग कंपनी उठाते हैं। देखिए भारतीय एयरटेल सामने दिख रहा है, मैंने यहां पे बाई में क्लिक किया, मैंने क्या किया बाई में क्लिक किया, आराम से देखिए, ठीक है भारतीय एयरटेल दिखा, मैंने बाय में क्लिक किया, बहुत सारा चीज आ रहा है, हम एक एक चीज को समझेंगे धीरे धीरे, हौले हौले, अभी नहीं, अभी हम शेयर होल्डर बन रहे हैं ताकि हमें डिविडेंड मिले, हम वैल्यूएशन को चैप्टर को समझ पाएं, हम सिक्योरिटी की एनालिसिस कर पाएं, हम इसमें पोर्टफोलियो भी मिक्स करके बताएंगे कि हम दो चीज़ों में, अगर हम पोर्टफोलियो में पैसा लगाते तो हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है, रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है, इस तरह से हम चीज़ों को समझाएंगे आपको।
तो अभी हम यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिखा रहा है, तो मैं बहुत सारी चीज़ में नहीं, अब आपको बताना है क्वांटिटी आपको कितना बाई करना है। डिलीवरी इंट्राडे दिखा रहा है, मैं डिलीवरी में क्लिक किया। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये लगाया है और अभी 800 रुपये चल रहा है प्राइस, ठीक है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने यहाँ पर शेयर्स खरीदने हैं। लेट से मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 50 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, कितना 50 शेयर्स में भारती एयरटेल के खरीदना चाहता हूँ। बात समझ में आती है? आती है सर। तो 50 शेयर खरीदा मैंने, मैंने यहाँ पे किया बहुत सारा चीज़ है, तो मैंने बाय कर दिया। अभी क्योंकि समय नहीं है तो मैंने प्लेस ऑर्डर कर दिया कि भाई मुझे 50 शेयर खरीदाओ। बधाई हो, आप भारती एयरटेल के मालिक बन गए। इतना आसान है भारती एयरटेल का मालिक बनना, आप भारती एयरटेल के मालिक बन गए, बधाई हो। आपने कितने शेयर खरीदे? आपने भारती एयरटेल के 50 शेयर खरीदे। कितने के भाव में? आपने आपने खरीदा है 885.30 के भाव में, आपने भारती एयरटेल का शेयर खरीदा है। एक बार मैं यहाँ पर बता दूँ, एक बार मैं यहाँ बता दूँ, भारती एयरटेल का आपने जो शेयर खरीदा है उसका भाव क्या है, एक बार यहाँ पर बता दिया जाए। ठीक है सर, भारती एयरटेल को आपने खरीदा है, बाद में मैं अच्छे से लिखवा दूंगा, एक बार लिख लेते हैं 885, फिर से मैं देखता हूँ 885.30 में आपने भारती एयरटेल का बाई किया है, 50 शेयर्स बाई किया है 885.30 के भाव में। तो ये आपका कितना रुपए बना, ये आप खुद इंटू करके देख सकते हैं कितने रुपए का आपने यहाँ खरीदा है। आइए एक और शेयर खरीद लेते हैं, फिर अपना, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना है हम लोगों को, पोर्टफोलियो बनाना अच्छी बात होती है, तो हम पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो एक कोई भी और शेयर खरीद लेंगे, एक हमने टेलीकॉम सेक्टर का शेयर उठाया, एक दूसरे सेक्टर का शेयर उठा लेते हैं। सारा पैसा टेलीकॉम में थोड़ा लगाना है। पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट होता है डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारा का सारा पैसा एक शेयर मत लगाओ, या सारा का सारा पैसा एक ही सेक्टर मत लगाओ। ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं सर, BPCL हम बाई करते हैं। BPCL हम गए यहाँ पर, हमने कंपनी का नाम BPCL हमने बाई किया, और यहाँ पर हमने बाई किया बहुत सारा चीज है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। हमने BPCL यहाँ पे बाई क्लिक किया, ठीक है, BPCL हमने बाई किया। हम डिलीवरी में काम करेंगे, अभी 388 चल रहा है, तो आप बताइए कितना शेयर आप खरीदना चाहते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो इक्वल वेट देना चाहते हैं तो जितना पैसा उसमें लगाया है नॉर्मली उतना पैसा इसमें भी लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कितना यहाँ पे बन रहा है, फंड्स कितने बचे हैं, वो आपको सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए लिख देते हैं ना, कोई भी अभी लिख देते हैं, लेट से 125 शेयर लिख देते हैं, ठीक है 125। देखिए अगर पैसा होगा, नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। 125 शेयर मैंने लिखा यहाँ पर, ऑर्डर सक्सेस हो गया है। आप जाइए यहाँ पोजीशन में, आपने BPCL भी खरीद लिया 125 शेयर, आपने BPCL 125 शेयर खरीद लिया है, BPCL का आपने 125 शेयर खरीद लिया है। आइए अभी आप ये, मैं अच्छे से आपको बाद में लिखवा दूंगा, जस्ट एक बार नोटिंग आप मत कीजिए, आप जस्ट माइंड में रखिए, रफ में आप नोटिंग कर सकते हैं। BPCL का आपने, BPCL का आपने 125 शेयर खरीदा है, किस भाव में खरीदा है, आपने खरीदा है 388.15 के भाव में, 388.15 के भाव में आपने BPCL का 125 शेयर खरीदा है, और 50 शेयर खरीदा है 885.30 के भाव में, ठीक है। तो आपने एक पोर्टफोलियो बना दिया। अगर अभी भी कुछ पैसा बचा है तो जितना आज पोर्टफोलियो बनाएंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि उतना आप डाइवर्सिफाई होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाना है, सोच समझ के बनाना है। एक मैंने टेलीकॉम सेक्टर का शेयर उठाया, एक मैंने पेट्रोलियम सेक्टर का शेयर उठाया, ठीक है। ये सब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सब हमारे सिलेबस में है। आपको एक बार मैं फिर बता दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस तरह से सोचे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारा पूरा चैप्टर का नाम ही एक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप यहाँ पर देखिए, हमारा एक चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम का, जो अभी आपके स्क्रीन में आ रहा है। पूरा पूरा हमारा डेडिकेटेड चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम से, आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। फाइन सर, आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो मतलब कॉम्बिनेशन, और सारा चैप्टर में पोर्टफोलियो भरा पड़ा है। रिस्क कम करना है, रिटर्न कम करना है, ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो
मैनेजमेंट क्या होता है, एक से ज्यादा अगर हम सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं तो उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं, और उसको मैनेज करना आना चाहिए। हम पूरा चीज पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर सीखेंगे। ठीक है सर, भारतीय एयरटेल भी हमने लगा दिया, बीपीसीएल भी लगा दिया। अब अगर हम ये देखना है कि टोटल हमारा फंड अभी भी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, तो हम फंड्स में जाते हैं, फंड्स में जाते हैं। अभी फंड यूटिलाइजेशन अभी नहीं पता तो देख लेंगे। कभी कभी हम लोगों को ज़्यादा पैसे का भी सौदा दे देता है, क्योंकि वो ब्रोकर है, वो हमें थोड़ा मार्जिन भी दे देता है। मार्जिन क्या होता है, सारी बातें हम सीखेंगे। तो अभी अभी हमें ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हो रहा है 28 रुपये का, आप देख सकते हैं। मतलब जो जिस रेट पे हमने खरीदा है, थोड़ा भाव गिरा होगा तभी हमें 40 रुपये का लॉस हो रहा है। आप देख सकते हैं ये टिक साइज चलता जा रहा है। मार्केट क्योंकि ओपन है, हर सेकंड ऊपर नीचे हो रहा है, 28 रुपये का लॉस हो रहा है। आप देख सकते हैं हमें भी 26 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, 16 रुपये का लॉस हो रहा है, 15 रुपये का लॉस हो रहा है, 46 हो गया, 31 हो गया, 43 हो गया, 61 हो गया, 43 हो गया, 31 हो गया। इतना डायनामिक है मार्केट, एक एक सेकंड ऊपर नीचे हो जाता है मार्केट में। अच्छे खासे लोग प्रॉफिट में होते हैं तो लॉस में आ जाते हैं, अच्छे खासे लॉस में आने वाले प्रॉफिट में आ जाते हैं। लेकिन ये पूरा एक इमोशन है, स्टॉक मार्केट एक तरह का पूरा साइकोलॉजी है, स्टॉक मार्केट एक तरह का पूरा अपने आप में एक इंडस्ट्री है, जिसको सोच समझ के हम लोगों को काम करना है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। यहाँ पर जहाँ प्रॉफिट आए वहाँ पर बुक कर लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। फिर भी सारी चीज़ें हम लोग आपको सिखाएंगे आगे चलकर पूरा, बहुत सारा इसमें हमें चैप्टर्स करने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देने हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 रुपये का लॉस है अभी, 7 रुपये का लॉस है, अब हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अब हमें 16 रुपये का नुकसान हो गया, देख सकते हैं। तो अगर हम शेयर प्राइस भी खोल के रख दें यहाँ पर moneycontrol.com में, अगर हम शेयर प्राइस भी खोल के रख दें, अगर हमने यहाँ पे लिखा एयरटेल और हम अपना भाव देखें, हमने एनएसी में खरीदा है, ठीक है, हमने एनएसी में खरीदा है, और हम एक बार एनएसी का भाव देखेंगे, बीपीसीएल का भी भाव देख लेते हैं, बीपीसीएल का भी भाव देख लेते हैं। बीपीसीएल हमने एनएसी में किस भाव में खरीदा है, हमने 8 क्या भाव था, भाव आपको बार बार बताना पड़ेगा, हमारा भाव था 885.30, और अभी हमारा भाव नीचे है, मतलब हमें एयरटेल में लॉस हो रहा है, हमें एयरटेल में लॉस हो रहा है। भाई हम तो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, हम तो डिलीवरी में खरीदे हैं, तो आज थोड़ा हमें कि लॉस बुक करना है। जो लॉस दिख रहा है वो अनरियलाइज्ड लॉस है, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट में है। तो हम आपको ये वर्ड्स बता दे रहे हैं, आपको जब क्लास में कराएंगे तो आपको मैं बोलूँगा कि देखिए हमने वहाँ पे सिखाया था, हर चीज़ को प्रैक्टिकली लिंक करना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बीपीसीएल हमने कितने में है, अभी 388 है हमारा, कितना बाइंग प्राइस है 388.15, तो इसमें हम लोग 15 पैसे नुकसान में है अभी देखा जाए तो। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, इस तरह से प्रॉफिट लॉस होता रहेगा। अभी देखिए क्या है हमारा चल रहा है, अभी हमारा 72 रुपीज का लॉस है, 75 रुपीज का। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट बनेगा वो भी मैं आपको दे दूंगा, कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में ब्रोकरेज कितना लगा, एसटीटी कितना लगा, ये सारा चीज आपको जानकारी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि किस तरह से शेयर्स बाई करते हैं, किस तरह से फंड को ट्रांसफर करते हैं, किस तरह से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, किस तरह से वेबसाइट में ये सारी चीजें दिखती है, यही सब चीज हम ऐप बेस्ड भी होता है उसमें भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, फाइन सर। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हाउ टू बाय शेयर इन डिलीवरी, हाउ टू ट्रांसफर फंड्स, प्रैक्टिकल सेशन एक सेपरेट रजिस्टर में लिखेंगे, इस चीज को आप सेपरेट रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन जो हमने यहाँ पे अभी कंडक्ट किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल क्या लिया, जरा वो भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया बीपीसीएल और भारतीय एयरटेल का, हमने एग्जाम्पल लिया। तो हमने बाई किया भारतीय एयरटेल, जो कि टेलीकॉम्युनिकेशन सेक्टर में है, हमने 885.30 इसका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो हम लोग ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ताकि आप इसके कॉन्ट्रैक्ट नोट को भी देख सके, ब्रोकरेज की क्या ट्रीटमेंट रही और क्या एडिशनल चार्जेस लगते हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट पे अपने आप जो ईमेल एड्रेस आप देते हैं डीमैट अकाउंट खुलवाते वक्त, उसमें अपने आप आपको डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है। बीपीसीएल का आपने 125 शेयर्स खरीदा, और किस भाव में, 388.15 के भाव में आपने 125 शेयर खरीदा।
तो आपकी बाइंग वैल्यू क्या हो गई, व्हाट इज योर पोर्टफोलियो वैल्यू, 885.30 × 50, तो ये आपका हो गया 44265 और ये हो गया आपका 388.15 × 125, तो ये आपका हो गया 48518.75, तो आपका ये आ गया 44265। तो आपने जो यूज़ किया है पैसा, अभी भी कुछ फंड्स आपके पास रहते हैं क्योंकि तो आपने 1 lakh rupees डिपॉजिट किया था, 92783.75, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो वैल्यू, इसे कहा जाता है पोर्टफोलियो वैल्यू। और भी आप शेयर्स बाई कर सकते थे पोर्टफोलियो में, जब हम पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट आप एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन में कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली जो यहाँ पर हमने बताया है सेम आप एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में भी आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। ज़रा उस बात को भी मैं बता दूँ आपको कि कहाँ पर आप इस चीज़ को आप देख पाएंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन आपके सामने हैं, योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज़। तो हम लोग कितनी सिक्योरिटीज़ होल्ड कर रहे हैं, हम लोग 2 सिक्योरिटीज़ होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग सिक्योरिटीज यहाँ पे होल्ड की हुई है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन हमारा बनेगा, बीटा क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, सब चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। अभी हमने यहाँ पर इन्होंने 4 सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया, 4 यहाँ पर चीज़ों में पैसा लगाया है, हमने यहाँ पे 2 में लगाया। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हम लोग लिंक करेंगे अपने स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, तभी हमारे बच्चे 100 out of 100 लाते हैं, 90 above का सपना देखते हैं और अपने एग्जाम को भी क्लियर करते हैं और फाइनेंस को भी अपना करियर बनाकर आगे बढ़ते हैं। फाइन सर, ठीक है। और अब मेरे होल्डिंग में, अब आप देखेंगे होल्डिंग आप देख रहे हैं होल्डिंग वर्ड, होल्डिंग में मेरे पहले से LIC इक्विटी का एक होल्डिंग था, बहुत पहले से मैंने इसे बाई किया हुआ था, क्लास में ही मैंने बताया था IPO में जब मैंने लिया था इसे, तो तब से रखा हुआ ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस LIC इक्विटी में मुझे 4800 का नुकसान हो रहा है। LIC मदर ऑफ ऑल IPOs मानी जाती थी और LIC में जो IPO की प्राइस थी उसमें हमने खरीदा था ये शेयर और अभी तक ये होल्ड है। तो होल्डिंग में अब मेरे कल, होल्डिंग में कल से मेरे और क्या क्या आ जाएंगे, कल से मेरे होल्डिंग में 2 शेयर और आ जाएंगे। एक LIC तो पहले से थी, वो तो मैंने उसकी बात चर्चा भी नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे सेशन या हमारे बैच का पार्ट नहीं है। अब हमारे होल्डिंग में 2 और आ जाएंगे, वो होंगे भारतीय एयरटेल और BPCL। सर हम इस होल्डिंग को कब तक बेच सकते हैं, कभी भी मत बेचिए, लाइफ ऑफ द कंपनी परपिचुअल, आप इसे 50 साल तक रख सकते हैं, 100 साल तक रख सकते हैं, 1000 साल तक रख सकते हैं, करोड़ों साल तक रख सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, लाइफ ऑफ द कंपनी परपिचुअल, ये भी हम अभी करने वाले हैं क्लास में, ठीक है। फाइन सर, तो सर डिविडेंड मिलेगा, हाँ मिलेगा सर, राइट शेयर्स मिलेगा, अनाउंस होगा तो जरूर मिलेगा, बोनस अनाउंस होगा तो जरूर मिलेगा, बायटेक जरूर मिलेगा, एनुअल जनरल मीटिंग का इनविटेशन आएगा, जरूर आएगा। मैं एयरटेल का मालिक हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, आई एम द ओनर ऑफ एयरटेल, मैं उसके 50 शेयर होल्ड करता हूं। मैं मालिक हूं BPCL का, मैं उसके 125 शेयर होल्ड करता हूं, तो मुझे डेफिनेटली प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट भी मिलेंगे, मुझे एनुअल जनरल मीटिंग का इन्विटेशन भी मिलेगा और मैं सारा कुछ वो करूंगा जो और भी कर सकते हैं, जो और शेयर होल्डर कर सकते हैं, वो सारा राइट्स मेरे पास भी रहेगा, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ऑनर ऑफ दी कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। कंपनी जब भी डिविडेंड बांटेगी मुझे मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगा इस शेयर्स को होल्ड करके रखने का, और मैं इसके बारे में अगर मुझे इन बिटवीन द बैचेस कुछ मिलता है, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, बायबैक या डिविडेंड, एनुअल जनरल मीटिंग इनविटेशन, तो जरूर मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। तो आई होप ये प्रैक्टिकल सेशन छोटा सा आपको अच्छा लगा है और आप moneycontrol.com का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और आपको खुद अब ये सब चीज़ें करनी है क्योंकि अब आपको प्रैक्टिकली लिंक्ड पढ़ाई करना है। टारगेट मैंने ऑलरेडी आपका सेट कर दिया है। फाइन फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार आता है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मैं बोलूं वर्ल्ड की सबसे नंबर वन कंपनी बताइए जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे एप्पल। जी हाँ, एप्पल ऐसी कंपनी है जो एक वक्त में बैंक्रप्ट होने वाली थी, उसका मार्केट वैल्यू $1 trillion पार कर गया है, $2 trillion पार कर गया है, $3 trillion पार कर दिया है। मतलब एप्पल की मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है, आज के दिन एप्पल की मार्केट वैल्यू $3 trillion से भी ज़्यादा है। मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है, जब हम मार्केट प्राइस को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मार्केट वैल्यू आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। जब हम शेयर प्राइस को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मार्केट वैल्यू आता है। अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू एप्पल की है। आपसे मेरा एक सवाल है, होमवर्क है, मुझे टेलीग्राम में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि इस वक्त इंडिया की टॉप 3 कंपनीज बताइए एज पर मार्केट वैल्यू। इंडिया की टॉप 3 कंपनीज बताइए, नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 कंपनी, नंबर 3 कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो आई होप आप इसको सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे इंडिया की टॉप 3 कंपनीज एज पर मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में आया है, आप देख सकते हैं। और मार्केट वैल्यू का क्वेश्चन एग्जाम में हमारे AFM में डायरेक्ट पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो सेकंड पार्ट में पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में, मार्केट कैपिटलाइजेशन ई लिमिटेड का 1000 लाख, एच लिमिटेड का 1500 लाख। तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि इंडिया में किस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड में तो एप्पल है, इंडिया में किस कंपनी की ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ AFM एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेरी टेलीग्राम का इंतजार करूंगा कि किस बच्चे ने सबसे बेस्ट आंसर दिया है टॉप 3 कंपनीज ऑफ इंडिया एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। बाकी इसके बारे में मैं और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टॉक मार्केट को इंट्रोड्यूस करेंगे तब और डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। फाइन सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। प्लीज़ मैं आपके फीडबैक, आपके थॉट्स और आपके ओपिनियन का इंतजार करूंगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, आप भी क्या एक्साइटेड हैं जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। मजा आ गया, ये बन गए। और जरा मार्कशीट देखें इनका, ओ हाईएस्ट मार्क्स इन SFM। ऐसा क्या आपने किया कि SFM में एकदम कमाल कर दिया? सर, फॉलोड ऑल योर एडवाइस। आप जैसे बोलते थे 5 बार प्रैक्टिस करो एंड रिटन प्रैक्टिस, आई थिंक रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मुझे भी एक मॉक टेस्ट देने के बाद समझ आया कि SFM में रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो एग्जाम हॉल से निकलने के बाद सबसे सुनने में मिला कि हार्ड पेपर था, जब कहीं मच रहा था टफ पेपर, उसमें आप ने इतनी अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया, 78% मार्क्स इन SFM। स्टूडेंट ऑफ आदित्य जैन सर, आई फेल्ट दैट पेपर वाज इजी। दो मिनट है आपके पास, पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार, आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स CA में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन CA फाइनल SFM। जहां स्टूडेंट्स को CA पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां CA क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में
रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं, इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज ऑफ मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स विथ लाइव स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल नॉलेज विथ 0% डाउट एम। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूँ विद मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो ये प्राइस बनते कैसे हैं, ये प्राइस बनते कैसे हैं ये बताइए मुझे जरा, ये प्राइस कैसे बनते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज समझाऊंगा कि आप बिल्कुल एकदम आंख खुला का खुला रह जाएगा। ये प्राइस बनते कैसे हैं आज मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि ये प्राइस कैसे बनते हैं। एनीवन, डिमांड सप्लाई प्रेशर, बोलो यस। डिमांड सप्लाई प्रेशर से बनते हैं प्राइस। तो आज मैं आपको एक कंपनी का शेयर प्राइस दिखा रहा हूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक कंपनी का शेयर प्राइस मैंने दिखाया, कितना रुपए चल रहा है अब ये 58.15 यहां पर और 50 यहां पर, ठीक है। तो आप कोई एक चीज पकड़ लीजिए, बीएससी एनएससी, वो देख लेंगे क्या पकड़ना है। हम गए, मेरा अकाउंट खुल चुका है। अब मैं क्या करा, मैंने गया यहां पर, मैंने टाइप किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आया कि नहीं, आ गया बीएससी, चलो बीएससी का पकड़ लेते, ठीक है, बीएससी का ले लेते हैं। अब मजा आने वाला है, प्राइस कैसे बनता है। ये जो प्राइस बनाया है 58 बीएससी, देखिएगा 58.50, ये कैसे बना। अच्छा, तो अब अपन क्या करेंगे, मैं इसे बाई करना चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनना हा, मैं इसे बाई करना चाहता हूं। हमने यहां बाई किया, ठीक है, और हमने लिमिट में बाई किया, इंट्राडे में बाई किया हमने, लेट से फॉर एग्जांपल, और हमने बाई किया 58 में, ठीक है, और हमने यहां बाई किया और प्लेस ऑर्डर किया। और अब हम ऑर्डर बुक में गए और देखते हैं कि हमारा ऑर्डर बुक सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। पेंडिंग आ रहा, देखिए, मतलब मेरा सौदा लग चुका है, मैंने 58 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बाई करने का सौदा किया है 58 में। अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 62.5। मैंने बीएससी में, सुन लीजिए अच्छे से, मैंने बीएससी में इस शेयर को 58 में बाई करने का सौदा किया है और मेरा अभी जो आ रहा है पेंडिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर जो मेरा सौदा आ रहा है वो यहां पर पेंडिंग आ रहा है। आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, सबसे ऊपर देखिएगा पेंडिंग आ रहा है, यस और नो, ऊपर पेंडिंग आ रहा है, यस और नो, यस। मैंने 58 में बाई करने का सौदा किया है और अभी कितना चल रहा है, तो मेरा सौदा अब 58 हो गया। अब मेरा सौदा कब कंप्लीट होगा, जब ये 58 आएगा या कोई सेलर 58 में आएगा, यस और नो, यस। अब देखिए मेरा बात, अब मैं एक बार गया यहां पर गया डिटेल्स में, ठीक है, और मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में गया। अब देखिए यहां पर आपको एक चार्ट दिखा रहा है, सामने सामने एक चार्ट दिखा रहा है ना,
सामने एक चार्ट दिखा रहा है, बोलिए यस। ठीक है, तो ये जो चार्ट आपको दिखा रहा है इसमें आप देख के मुझे बताइए कि इसमें मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। सुनो, मैंने कितने में बाई करने का सौदा किया है, 58 में मैं बाई करने का सौदा किया। ये मैं नीचे वाले में उसमें हूं, मतलब और भी लोग खड़े हैं, 17 लोग और खड़े हैं 58 में बाई करने के लिए। 17 क्वांटिटी मैंने तो एक ही किया था ना, 58 में मैं वो हूं। इसमें टॉप बायर और टॉप सेलर आ रहा है, मतलब 58 में पांचवें पायदान में हूं। आप देख रहे हैं, मैं आना चाहता हूं और लंबे पायदान में। अभी कितना भाव चल रहा है, 62 पॉइंट, वो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हर सेकेंड अपडेट हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा और ऊपर आना चाहता हूं। मैं 58.50 में गया वहां पर, मैं अपने ऑर्डर बुक में गया। ध्यान से देखते रहिएगा, बस बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैं ऑर्डर बुक में गया और मैं यहां पर ऑर्डर बुक में जाकर अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहता हूं। मैं आपका मॉडिफाई करना चाहता हूं, यहां पर क्लिक किया मैंने मॉडिफाई और मैंने किया 58.5055 कर लो, चलो 58. मॉडिफाई बाई प्लेस ऑर्डर। अब मैं जल्दी फटाफट गया मैं वहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। अब मैं 58.55 क्या याद रखिएगा, मैं वहां गया 58.55 मैंने किया है, मैं डिटेल में गया और 58.55 में मैंने किया है। देखता हूं मैं कहां हूं, 58.5 आया कि मैं, मेरे से अच्छे बायर खड़े हैं, मेरे से अच्छे, अब तो मैं हो ही नहीं लाइन में, अब तो मैं लाइन से मुझे हटा दिया गया है। मतलब मैं बहुत कम भाव दे रहा हूं इस शेयर का, 58 पॉइंट लोग यहां पर खड़े हैं और दूसरे दूसरे लोग खड़े हैं बाई करने के लिए, ये अपडेट हो रहा है हर सेकेंड। तो मैं अभी तक यहां पे नहीं आया, 58.55 में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा 59.50। अब देखो, देखता हूं मेरे को कैसे नहीं लाता ये, ठीक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, चैलेंज कर रहा हूं, 15 क्या बोला था मैंने अभी, 59.5। जल्दी जल्दी कर, देखो इतना टाइम लग रहा है ना, उतना टाइम लगना नहीं चाहिए। फिर मैंने मॉडिफाई किया 59.50, मैंने किया मॉडिफाई, मैंने किया प्लेस ऑर्डर, मैं गया फटाफट गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बायर सेलर देखा मैं। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, अब इतना लेट नहीं चलेगा। अब देखो 50 क्या नाम मेरा, मेरा क्या था, 59. ये मैं हूं, एक इसमें मैं हूं, दो ऑर्डर लगे हैं ना, कोई है क्लास में जिसने लगाया है, ए देखो ये लड़के ने लगाया है, उस लड़के ने ऑर्डर आपने लगाया 59. एक लड़का ये और एक लड़का मैं, आप अपना ऑर्डर हटाओ, तो ऑर्डर हटाओ अपना, नहीं सही मत कह रहा हूं, ऑर्डर हटाओ, पर फटाफट ऑर्डर हटाओ, हटा दिया, हटाइए ऑर्डर हटाइए, ऑर्डर हटाइए। ए देखिए एक मैं हूं बस, अभी अभी उन्होंने हटाया, ये सुन लो, फिर लगाइए, फिर हटाइए, ऐसे दिखते रहिए, खुश होइए। मैंने पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते, पूरे वर्ल्ड में मैं अकेला ये हूं जो सबसे बेस्ट बायर है इस शेयर के ऊपर, बेस्ट बायर हूं मैं, मतलब मेरे से अच्छा रेट कोई नहीं लगा रहा बाइंग में। अब समझे, गरज होता है ना जिसको, अब मेरे को गरज है तो मैं 60 भी लगा दूंगा। अब बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। अब मेरा बाइंग प्रेशर कैसे आएगा, कोई आ जाएगा 60 लगाने और कोई 61 62 63, इस तरह से बढ़ता जाता है। ये सुनो, अब किसको गरज है देखना पड़ेगा। अगर बायर को गरज है तो मेरा 59.5 मेरा नहीं हो रहा, चलो 60 लगा देता, मुझे लेना ही है, मेरा गरज है, मेरे को लेना ही है, तो मैं भाव बढ़ाऊंगा ना। सेलर बोल रहा है भैया भाव बढ़ाओ, ठीक है, तो इसका मतलब इस प्राइस से सबसे पहले बात है कोई लेना देना नहीं है 58.65 से। 58.65 भी मैं लगा दूंगा तब भी नहीं होगा, चलो देखता हूं। अब देखो मेरा 59.50 हूं मैं, अब मैं और अच्छा रेट लगाता हूं, मैं और अच्छा रेट लगाता हूं। अच्छा सेलर कितने में खड़ा है, 60 होगा तो मैं, हम दोनों मिल जाएंगे। ये कोई और हो, ये कोई है क्या क्लास में, क्लास का तो नहीं है ना कोई, ये 60 कोई होगा, हम और ये तभी मिलेंगे जब मैं भी 60 वो भी 60, या वो 59.50 मैं भी 59.50, हम दोनों की सहमति से ही ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताऊं, मैंने यही शेयर क्यों पकड़ा, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग है, इसमें बहुत लोग नहीं आते हैं शेयर ट्रेडिंग करने। अभी रिलायंस और वो ले लेता तो एक सेकंड ऊपर नीचे बायर सेलर रोज आ रहे हैं, हर सेकंड आ रहे हैं, तो वहां पर बताना यहां पर स्थिर है, रुका हुआ है, तो समझाना में मजा आता है इस शेयर पे, इसलिए मैं इसी शेयर पे रहा।
अब मैं 50-60 करूंगा ना, तब जाके हम दोनों मिलेंगे। या तो वो गरज के दिखाए, वो भी देख रहा है मुझे, मैं भी उसे देख रहा हूं। यस एंड नो, देख तो दोनों एक दूसरे को रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि झुकेगा कौन? यस और नो? वो पहले झुकेगा या मैं पहले झुकूंगा? सवाल ये है। वो भी मुझे देख रहा है, मैं भी उसे देख रहा हूं। सवाल ये कि कौन झुकेगा पहले? मैं बोला नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो दिन भर 59.50 में रहूंगा, तुम्हें आना है तो आओ। वो कहेगा मैं नहीं झुकूंगा, तुम्हें आना है तो आओ। ऐसे हम दोनों लड़ाई करेंगे। और अगर हम दोनों नहीं मिले, हम दोनों नहीं मिले और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आज प्राइस से 58.65 ही रहेगा इस, और ट्रेडिंग हो ही नहीं पाएगी आज दिन भर। आज दिन भर ट्रेडिंग ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना मैं झुक रहा हूं ना हम दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं इसको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझो इससे। लेकिन हम दोनों आपस में अपने आप को देख रहे हैं, ना वो झुक रहा ना मैं झुक रहा हूं, कोई तीसरा कूद जाएगा कहता है मैं झुकने को, वो आ गया 60 में, तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या हो जाएगा? अब पता चला कैसे प्राइस बनता है। कोई आ जाए, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम दोनों ही एक दूसरे को देखेंगे, और भी लोग हैं, जैसे आप लोग मजे ले रहे हैं, आप लोग मजे ले रहे हैं, आप लोग कुछ कर, अरे मैंने ये प्राइस बनाया है, ये 59.50 मैंने बनाया है। कोई आया होगा मुझे बेचने, कोई ना कोई आया होगा मुझे बेचने, मेरा बिक गया होगा, मैंने खरीद लिया होगा। अब देखो ऑर्डर में गया मैं, अब वो झुका या कोई और झुका, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, एग्जीक्यूटेड, मतलब मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका हूं। यस और नो? अब पता चला प्राइस कैसे बनता है, बिल्कुल अच्छे से ये, हाँ ऐसे तो हम प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, करके देखो ना। छोटे मोटे शेयर में हो जाएगा, बड़े बड़े जो शेयर से जिसमें टर्नओवर बहुत, इसको मैंने क्यों पकड़ा, देखो ध्यान समझना, इसको मैंने क्यों पकड़ा, इसका वॉल्यूम देखो, ओनली 403 वॉल्यूम है, देखो ध्यान से सुनना। बीएससी में इस सामने दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है यहां पे, एकदम सामने दिख रहा है कोई चीज, बोलो यस। ये 400 शेयर की ट्रेडिंग हुई है और वहां पे कितनी हुई है, 200 नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है ये 200 साइड में लगा हुआ है ना, और उसमें थोड़ा 400 नजर आएगा, दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। ऊपर मतलब 200 शेयर मात्र इंडिया में, सिर्फ 200 शेयर के अभी तक इसमें काम हो रहा है, 200 बहुत। अब एक बार हम रिलायंस का देखते हैं, अब हम देखते हैं यही चीज मैं देखता हूं रिलायंस का, ठीक है। अब देखो यही चीज मैं देखता हूं, यही चीज मैं देखता हूं, लेट से फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन का, लेट से वोडाफोन का मैं यही चीज देखता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें, ओ माय गॉड, इतनी वॉल्यूम है, तो इसमें हम जल्दी से कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना स्थिरता से मैंने आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्थिर रहा, उसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं होती है, ज्यादा लोग उसको बाई सेल नहीं करते उस शेयर को। लेकिन यहां पर मेरा बताना मुश्किल हो जाएगा, यहां मैं लगाऊंगा कोई झुक जाएगा, कुछ लगाऊंगा कोई झुक जाएगा, यहां सब झुकने को, जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी होगा यहां पे काम। Yes or no? Yes. क्योंकि इतना वॉल्यूम है कि किसी को रोक नहीं सकते ना। Yes or no? लेकिन वहां पर स्थिर था, वहां मैंने बोल दिया सौदा हटाओ, सौदा हटा दिया ना, ऐसे सौदा बहुत कम शेयर्स में ये काम हो जाता है, लेकिन वही काम इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहां पे इतना जल्दी से झुका झुकी पता नहीं चलेगा। वहां पे पता चला, यहां पे भी हो रहा है वही काम, लेकिन यहां फास्ट हो रहा है, फास्ट 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 फास्ट। यस और नो? तो लेकिन आपको ये पता चल गया कि प्राइस कैसे बनता है। हुम्मा मर्दमा मामा ए ओ हुम्मा मर्दमा
मेरा नाम शशांक सक्सेना है और मैं बरेली यूपी से आया हुआ हूँ और यहाँ पे सर के पास पड़ा हूँ जो कुछ भी है। पर एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि मूर्तिकार होता है वो एक पत्थर को अपनी रुचि अपनी ताकत से एक शेप दे देता है जिसकी आप पूजा भी करते हैं कुछ भी करते हैं, मेरे लिए वो सर हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसे आकार में डाल दिया है, इसकी कीमत बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि आप एक मैजिशियन जैसे हो, बिकॉज द वे यू अंडरस्टैंड कि हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है उसे क्लियर करना, मतलब मुझे हमेशा से स्टार्टिंग से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप मैजिशियन जैसे हो। He is the guy who scored 100 out of 100 in NCFM. 100 out of 100. जैसे मैंने IPCC क्लियर करा तो सभी दोस्तों से सुना कि SFM की क्लास लगाओ और सबने कहा आदित्य जैन सर से लगवाओ, आदित्य जैन सर से लगवाओ। सर ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, फाइनेंस का भूत मुझ पर चढ़वाया, एडल वाइस में मेरा काउंटर खुलवाया और मुझे कंपनीज का शेयर होल्डर बनाया। अब दिन भर इन्वेस्ट करता हूँ अमाउंट और हमें जो मिलेगा हम बात का गुरूर 25 फेब से हुआ था ये बात शुरू। आज नई नवेली एक बात का गुरूर 25 फेब से हुआ था ये बात शुरू। SFM के ये टीम मिस्टर आदित्य जैन, सो प्लीज कम इन द लाइमलाइट। SFM के ये टीचर मिस्टर आदित्य जैन, ही मेड इट वेरी सिंपल दो इट वाज अ पेन। कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट सर के लिए, ही इज सच अ नाइस मैन, इतने ग्राउंडेड। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि सक्सेसफुल आदमी मैंने बहुत देखे हैं, पर्सन भी एटीट्यूड नहीं है, ही इज सो डाउन टू अर्थ। जैसे जैसे क्लास शुरू हुई कंसेप्ट की बारिश शुरू हुई, कंसेप्ट पे कंसेप्ट सर कराते थे काउंट और सर को जो मिलता था उसे कर देते थे डिस्काउंट। इसी क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, हर दिन नई चीज सीखी, हर दिन नया सीखा। हर क्लास को हमने नमो मंत्र के साथ शुरू करा, हर क्लास को सर ने पॉजिटिव बनाया, हर क्लास में सर ने ऐसे ऐसे थॉट ऑफ द डे दिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हमें पूरा ही बदल दिया। और सर ने आज मेरे मन से सिर्फ एक ही दुआ निकलती है कि सर आप जैसे अभी हम लोगों को आपने पढ़ाया, आगे जाके और लोगों को भी जो और भी फाइनल के स्टूडेंट होंगे उन सब को भी ऐसे ही ज्ञान देते रहना। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी सर, क्या बैच बनाया आपने, क्या बैच बनाया आपने। थैंक यू वेरी मच। मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो यू गाइस वोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग। वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखवाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर वन फैकल्टी इज CACSCMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं, फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की, और रिविजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, एक एक चीज मतलब डेरिवेशन लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है और हाँ यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। तो यूनिक टीचिंग स्टाइल, सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे सर की लगती है कि हमें हर चीज हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। आई टू क्लासेस फ्रॉम सी आदित्य जैन सर एंड इट वॉज सो फार माई बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया, ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और SFM में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90+ का हम टारगेट देते हैं, बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। एंड आदित्य मित्तल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन SFM। ये बिग क्लैप फॉर हिम। I am Smriti Mahindru. I am CA final student. I took classes from C. Aditya Jain sir. I took his CA final SFM classes and it was so far my best decision of my life. The very practical subject I learned from the best teacher.
बहुत सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया, ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो, बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छे से गाइड करा और हर एंगल से उन्होंने सपोर्ट कराया। फाइनेंस को एक करियर क्यों बनाना चाहिए, वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, वो उन्होंने बताया। ऑडिट, टैक्स, अकाउंट्स में तो हर कोई जाता है और क्या क्या है, पर सर ने ही समझाया कि फाइनेंस में क्यों जाना चाहिए। इतने सब सब्जेक्ट्स हैं, इतने सब चैप्टर्स हैं हमारी बुक्स में, जिसको खुद ही पढ़ के लगता है कि यार इस लाइन में जाना चाहिए, इस लाइन में बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। और इनिशियल स्टेज पर अगर हम सीए फाइनल लेवल की स्टेज पर अगर हम सीए सब कुछ बेसिक्स अगर सर से समझ लेते हैं, सर से पढ़ लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आगे अपना डिसीजन बना सकते हैं कि हमें लाइफ में किस लाइन में जाना है, फाइनेंस की ही किस लाइन में जाना है। तो जैसे सर ने एडवाइस करा, मैं भी चाहूँगी कि हम सब इसी लाइन में जाएँ। मैंने आई जस्ट क्लियर माई गोल्डमैन शैक्स इंटरव्यू और मेरा भी इसी वजह से ही क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने फाइनेंस को अपना लाइन आगे सोच के रखा है। तो मैं भी सबको ये एडवाइस करूँगी कि ये ही करें। और जैसे कि अभी सर की इलेक्टिव पेपर की भी अब क्लासेस निकलने वाली हैं, तो वो भी ज़रूर उसको भी देख के देखें, उससे कितना हेल्प मिलेगा। तो अभी कुछ टाइम में लॉन्च भी हो जाएंगी और भी क्लासेस, तो ज़रूर इसका मतलब इसकी हेल्प लें और आगे अपना फ्यूचर और ब्राइट करें। सर सीएफए के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ नॉलेज देते हैं। जितना अभी हम सब ऑनलाइन पढ़ते हैं कि क्या है, वो सब प्रैक्टिकली सर बता रहे हैं कि सीएफए क्या है, क्यों करना चाहिए और सीए के बाद कितना ज़्यादा हेल्प करेगा हमें फ्यूचर में। तो वो भी ज़रूर इस एंगल में भी हमें देखना चाहिए आगे अपना फ्यूचर शेप करने के लिए। और कुछ टाइम में सर की क्लासेस भी आने वाली हैं इस पर, तो डेफिनेटली हमें वो देखनी चाहिए ताकि हमें आगे हेल्प मिल जाए। तो सर की गाइडेंस और सर की सपोर्ट की वजह से अगर हमें लाइफ में इतनी सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो हम क्यों ना लें। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू go for this, and all the very best to all. Thank you so much.